ठीक है जी टाइम जया किए बगैर स्टार्ट करते हैं इस एक प्रोजेक्ट के अंदर आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को देखेंगे किस तरीके से किया जाता है इन पाइथन और हम स्टार्ट से एंड तक आपको काफी ज्यादा टूल्स जो हैं वो भी सिखाएंगे पांडास की लाइब्रेरी को भी देखेंगे और उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन भी करेंगे एंड देन वी विल सी चार ऐसी लाइब्रेरीज जो ऑटोमेटिकली सारे के सारा ईडी करके आपको दे देती है वी आर गोइंग टू यूटिलाइज यूटिलाईज लाइब्रेरीज एज वेल मीनस टू से अगर आपको ईडीए का कुछ भी नहीं आता लेकिन टर्म्स आती है कोडिंग नहीं आती मीन टू से तो आप वो चार लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं और उन चार लाइब्रेरीज के नाम एट दी एंड में आपको बताने वाला हूँ और हम उसको करके भी देखेंगे बट बिफोर दैट वी हैव टू गो वन बाय वन और इस ई को साथ साथ करके देखते हैं तो आज के सेशन के अंदर जो चीज़ होगी मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगा एंड देन इट वुड बी ग्रेट अगर आप साथ साथ उसको uh, मेरे साथ जो है परफॉर्म करते रहें और कुछ जानबूझ के गलतियां मैं छोड़ूंगा ताकि आप मुझे उसका कोड या उसमें इनपुट दें अपनी लेट्स बिगेन जी स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी आपको राइट right? ओके okay. अब आपको माउस जो है वो सर्कल में नजर आ रहा है या सिंपल ग्रीन सर्कल नहीं सर्कल नहीं नजर आ रहा राइट माउस के इर्द गिर्द या आ रहा है ओके आई थिंक सो नहीं आ रहा होगा ग्रीन सर्कल सर्कल नजर ओके दैट्स फाइन ओके जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहला काम क्या होगा हम कैसे स्टार्ट करेंगे नोटबुक वही पुराने वाली मैं स्टार्ट करूंगा ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करके भेज दूं हमने सबसे पहले एक नोटबुक बनाई यहाँ पे जिसका नाम है ईडी डॉट आई पी वाई एन बी ठीक है और हमने क्या किया यहाँ पे आप गौर कीजिएगा हमने जो पिछली नोटबुक बनाई थी जिसके अंदर आपने काम किया था इससे आपकी रिविजन भी हो जाएगी वी आर मैं ये सारी की सारी चीजें जो है इन्हें रिमूव कर रहा हूं नीचे से ताकि हम बार बार इसको देखें हमने पांडास नम पाई मैट लिप एंड सी बॉर्न ये चार लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल तो इसको इंस्टॉल कर लें हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एम एल इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम स्टार्ट से लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते आ रहे हैं ठीक है मैं इसको रन करता हूँ और क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इस वजह से कुछ इस तरीके से आएगा मैं यहाँ पे तीन बटनों पे क्लिक करके सेल आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ अब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर सबसे पहली चीज होती है हमने लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होता है सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट लाइब्रेरीज इंपोर्ट लाइब्रेरीज और इसके अंदर हम करेंगे इंपोर्ट पांडास एज पी डी इम्पोर्ट नम पाई एज एज एन पी इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिप एज पी एल टी मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट as as plt and then import as sns. ये चार लाइब्रेरीज हमारी इनिशियली बहुत जरूरी है इनको हमने इंस्टॉल करना है और इन इनको इंपोर्ट करना है इसकी रीज़न क्या है ये चार के चार क्यों जरूरी है आपको बारी बारी इन चीज़ों की समझ आती रहेगी अब इसके बाद जो अगला काम है हमारा दैट इज रिलेटेड टू इम्पोर्टिंग द डेटा सेट ये आपको भी पता है कि डेटा सेट को इम्पोर्ट करना हमने डेटा इम्पोर्ट उसके लिए हम क्या करेंगे हमने जो लास्ट टाइम काम किया था हमने डी एफ के वेरिएबल के अंदर एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट करके let me see, इसके अंदर टाइटैनिक लिया था ठीक है ये इस तरीके से हमने डेटा सेट जो है वो लोड किया था मेरे पास सजेशन नहीं आ रही मैं अपने वी एस कोड को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ हो सकता है इसके अंदर कोई मसला आ रहा हो मैंने वहीं पे कंट्रोल एस करके इसको दोबारा से रिस्टार्ट किया नाउ इट विल बी वर्किंग फाइन होपफुली ठीक है आपके पास यह यहां तक रन कर चुका है जी डेटा आ गया आप लोगों के पास ठीक है डेटा आने के बाद अब हमने क्या करना है डेटा को चेक करना है कि डेटा कैसा है सबसे पहले हम काम क्या करते हैं हम डेटा की कंपोजिशन चेक करते हैं स्टेप वन क्या होता है हमारा कंपोजिशन अब डेटा के कंपोजिशन के लिए हमने कौन सा काम किया था जनाब df डॉट इन्फो का कमांड लगाई थी राइट लाइक दिस तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आ गई कि 891 एंट्रीज हैं इस डेटा सेट में टाइटैनिक का डेटा 0 टू 890 इसके इंडिसेस हैं या इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं फिर टोटल कॉलम में 15 और हमें यहीं पे पता चल गया था कि हमारे पास कौन सा वेरिएबल किस किस्म का है और कौन सा किस किस्म का है अगर आपने स्टैट की प्ले सारी देखी है तो वहां पे बड़ी ही डिटेल के अंदर मैंने बताया कि डेटा कैसे आता है डेटा कितनी किस्म का होता है और डेटा को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको यहां पे कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं बट वी विल गो थ्रू दैम अच्छा ये इन्फो का कॉलम सब कुछ हमें बता देता है और यहाँ पे हमारे पास बुलियन ऑपरेटर कितने वो भी बताता है कैटेगरी कितने वो भी बताता है फ्लोट भी बताता है इंटीजर भी बताता है ऑब्जेक्ट भी बताता है और ऑब्जेक्ट यूजुअली आपको कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंदर ही गिनते मिलते हैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया तो इम्बाग्ड के कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट असलों में आप यही समझ लें कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर की हुई चीजें होती हैं जो आपने कैटेगराइज नहीं की होती इन डिफरेंट थिंग्स और यूजुअली ये कैटेगरीज को इसके अंदर रखता है यानी कि कैटेगोरिकल वेरिएबल को राइट right जी कुछ लोग क्या करते हैं ये मेमोरी यूजेज यानी कि ये कितनी मेमोरी के अंदर स्टोर है एटी पॉइंट सेवन प्लस के भी एटी पॉइंट सेवन प्लस किलोबाइट्स और मेमोरी यूज का मतलब ये है कि अगर डेटा यहाँ पे छोटी मेमोरी वाला है तो वो आपके पी सी में फास्टली रन होगा यानी कि आप उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं अगर वही डेटा एक बड़ी मेमोरी रखता है तो आपको अपने पीसी में उसे एनालाइज करने के लिए अच्छी खासी तगो दो करनी पड़ेगी ठीक है सो दिस पैरामीटर हेल्प इन दैट वे अच्छा एक और तरीकाकार होते हैं कि आप डेटा को डेटा के टॉप टेन रो टॉप फाइव रोज देख लें जो हमने ऐसे देख ली ठीक है और हम इसकी बॉटम फाइव रोज भी देख लेते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था हम क्यों देखते हैं अब यहां से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी आप गौर कीजिएगा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल ये अम्बाक वाला एम्बाक वाला ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो ऑब्जेक्ट क्यों है क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो एस सी एस 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 इस तरीके से है ना तो पूरा कैटेगरी है और ना ही कोई इंटीजर है इट्स अ काइंड ऑफ सिंबल लेकिन हमें पता है दिस इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल क्यों क्योंकि साउथहैम्पटन को उन्होंने एस लिखा है शेरबुर्ग को उन्होंने सी लिखा है इस तरीके से इन्होंने इसको डिवाइड किया तो इसका मतलब इम्बार्क टाउन और इम्बार्क ऑलमोस्ट सेम चीजें ठीक है तो हमने हेड और टेल करके ये सारी चीजें देख ली हमें पता चल गया कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आ रही है और कौन सी वैल्यू कहाँ पे आ रही है फिर हम आगे डेटा कंपोजिशन के अंदर एक और फंक्शन लगाते हैं डी एफ डॉट एन का जिससे हमें क्या पता चलता है जी अच्छा ये मैंने एन यूनिक का लगाया मैंने ब्रैकेट नहीं डाली तो मेरे पास फिर भी रिजल्ट्स आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फंक्शन है वो रन किया या नहीं क्या ख्याल है नहीं ना रन किया कुछ भी रन नहीं किया अभी वी हैव टू पुट द ब्रैकेसेस अब मेरे पास यूनिक वैल्यूज आ गई हैं और पिछले लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया था कि यूनिक वैल्यूज क्यों जरूरी हैं ये हमें क्या बताती हैं ठीक है बाइनरी क्या चीज है ये हमारे पास तीन चीजें हैं इसका क्या मतलब है अगर हमारे पास नुमरिक वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा क्यों होंगी सो ऑन एंड सो फोर्थ दिस इज कोल्ड मेटा डेटा और इसके बारे में अक्सर डेटा साइंटिस्ट बहुत कम बात करते हैं रीजन क्या है वो ये समझते हैं कि इसे स्किप कर दो कोई नहीं कोई बड़ा मसला नहीं है बट मेटा डेटा इज मोर इम्पोर्टेंट देन ओरिजिनल डेटा मिसाल दूं आपको एक अगर आपको यही ना पता हो पी क्लास क्या है आप कहें यार ये और ये पी को खत्म कर दो क्लास है ये बच्चों की क्लास है तो आपके तो सारे डेटा साइंस की मत ना फिर क्या ख्याल है कि ये बच्चों की क्लास है तीन क्लासेज पहली क्लास के बच्चे दूसरी क्लास के बच्चे तीसरी क्लास के बच्चे इज समथिंग लाइक दैट नहीं ये पैसेंजर क्लास है बेसिकली आप इसको देखते हो सिबलिंग एसपी सिब एसपी का मतलब है एंड स्पाउस का नंबर अगर आपको इसका पता ही ना चले कि ये क्या कौन सा कॉलम है तो आप क्या उसका अंदाजा लगाएंगे क्या ख्याल है है कि नहीं सो दीज आर थिंग्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट और मैंने आपको फिर यह बताया था कि अगर आपने सिंगुलरली सभी की यूनिक वैल्यूज को देखना है कि कितनी कितनी है यू कैन ऑल्सो सी दैट कैसे जनाब हमने किया था डी एफ डॉट कॉलम का नाम अच्छा डॉट लगा के भी आप कॉलम का नाम लिख सकते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर भी ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूं यूनिक ये मेरे पास दो यूनिक वैल्यूज हैं जी आप कॉलम का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं और आप कॉलम का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं बोथ थिंग्स आर करेक्ट लाइक दिस ठीक है तो जो मैंने डॉट लगा के लिखा था वो भी ठीक है दिस वन इज ऑल्सो फाइन यहां तक आपको समझ आ गई हमने यहां पे नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज और यहां पे पर कॉलम हमने यूनिक वैल्यूज देख ली अब एक और चीज होती है वो होता है कि हर एक यूनिक वैल्यू value कितने वैल्यूज रखती है फॉर एग्जाम्पल जीरो कितने हैं और वन कितने हैं इसमें आठ सौ इक्यानवे में उसके लिए क्या कमांड होगी हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ दिस थिंग्स जी बड़ा आसान काम हमने क्या करना है इसको कॉपी करते हैं जो मुझे आ रहा है चैट के अंदर इसके आगे सम लिखते हैं जी नहीं कुछ भी नहीं हुआ इसके आगे अगर हम डॉट वैल्यू काउंट्स लिखते हैं लेट्स सी क्या होता है अब समझ आई सिर्फ हमने लिखना है वैल्यू काउंट्स तो हमें पता चल जाएगा किसकी कितनी वैल्यूज हैं एक कॉलम के अंदर स्पेसिफिक वैल्यूज कितनी हैं यानी कि सर्वाइव्ड कितने हैं और बचे हुए सर्वाइव्ड जीरो वैल्यू कितनी है यानी कि जो हो जो हो गए और और बचे हैं हैं वो कितने सो दिस इज द द कमांड वी विल यूज टू काउंट वैल्यूज ये बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है आपको इससे अंदाजा होता है कि आपके डेटा में वेरिएबिलिटी कितनी है अब यहां पे एक मैं और चीज लिखता हूं क्योंकि सर्वाइव्ड अक्सर मुझे स्पेलिंग अगर भूल जाते हैं तो मैं क्या करता हूं यहां पे डी एफ डॉट कॉलम्स ये लिखूंगा अब मैंने क्या गलती की है यहां पे ब्रैकेट्स नहीं डालनी राइट क्यों नहीं डालनी दैट वॉज माई क्वेश्चन इन द प्रीवियस क्लास और आपको ये पता होगा कि क्यों नहीं डालनी क्या ख्याल है पता है कि नहीं पता क्या कहते हैं आप लोग मुझे बता सकते हैं आप जब हम ब्रैकेट डालते हैं उसे तो फंक्शन बोलते हैं चलो मैं बता देता हूं आपको लेकिन जब हम ब्रैकेट नहीं डालते उसे क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट और इन दोनों में फर्क क्या होता है ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम कि ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है ये आपने जरूर बताना है जी किसी को क्लियर है ये कि क्या फ़र्क होता है उसमें आप चैट में बताएंगे दैट वुड बी नाइस ठीक जिनको नहीं पता वो जरूर चेक कीजिएगा कि ब्रैकेट क्यों लगाई जाती है अक्सर औकात एट्रीब्यूट होता है जिसमें ब्रैकेट ना लगे और फंक्शन होता है जिसमें ब्रैकेट लगे और इसमें एग्जीक्यूशन का चक्कर है चेक कीजिएगा ठीक है बाय द वे ये मैं पॉइंट्स इस वजह से छोड़ता हूँ ताकि आप खुद से भी सीखें ओके अच्छा यहां तक आपको पता चल गया मैंने कॉलम क्यों लिए अब मैंने क्या करना है यही चीज कॉपी करता हूं मैं ठीक है और इसको यहां पे पेस्ट करता हूं अब मुझे सर्वाइव का पता चल गया अब मैं पी क्लास को देखता हूं लेट्स सी मैं इसको यहां पे पेस्ट करता हूं कंट्रोल एंटर ये मेरे पास जी वन की इतनी है टू की इतनी है थ्री की इतनी है यानी कि थर्ड क्लास में लोग ज्यादा थे फर्स्ट क्लास में टू वन सिक्स थे सेकेंड क्लास में वन एट फोर थे ठीक है समझ आ गई बात की इसी तरीके से अगर आप सेक्स देखें तो आपको पता है मेल या फीमेल ही सॉरी फॉर दैट ठीक है अब आपको यहां पे पता चल गया होगा कितने मेल हैं और कितनी फीमेल्स हैं ऐसा ही है हम डेटा के कंपोजिशन ही देख रहे हैं ना अभी तक कि मेल कितने हैं फीमेल कितनी है एंड दीज आर थिंग्स यू नीड टू राइट डाउन इन योर रिपोर्ट्स जो डेटा को ईडीए एनालिसिस करने के बाद हम एक रिपोर्ट देते हैं किसको रिपोर्ट देते हैं अपने क्लाइंट को या जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं उनको लिख के देनी होती है तो ये वैल्यूज हमने वहां पे लिखनी है कि मेल इतने हैं फीमेल इतनी है ठीक है अब इसकी परसेंटेज भी तो आप निकाल सकते हैं ना कि फाइव सेवेंटी सेवन मेल है थ्री वन फोर फीमेल है तो कितने कितने परसेंटेज हुई दोनों की टोटल में से क्या ख्याल है हो सकता है इजिली काम फाइव सेवनटी सेवन डिवाइडेड बाई एट नाइनटी वन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी इसी तरीके से दूसरे की आ जाएगी सो दीज आर दिंग्स विच यू नीड टू राइट और आपको बताना है कि मेल ज्यादा थे फीमेल कम थी अब एक और चीज है मेल और फीमेल के अलावा हमारे पास यहां पर एक हु का कॉलम था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं यहां पर हु लिखू अब चेक करें यहां पर आपको अंदाजा हुआ कि मैन वुमेन एंड चाइल्ड यानी कि मेल और फीमेल में बच्चे भी हैं अब एक अंदाजा लगाते हैं हम अब मुझे बताएं कि सर्वाइवल रेट इन तीनों में से किसका ज्यादा होगा आपके जब भी कोई हंगामी सूरत हाल होती है क्या ऐलान होता है जंग के दौरान या वैसे औरतों और बच्चों को बचाया जाता है पहले प्रियोरिटी पे ऐसा ही है तो अब मुझे बताएं कि टाइटैनिक अगर चलो आपको स्टोरी का नहीं पता अगर आपने मूवी देखी है तो आपको अंदाजा होगा ना टाइटैनिक में क्या हुआ था डूबने वाली थी और औरतों और बच्चों को पहले बचाया गया था ऐसे ही है तो आपको क्या लगता है कि बच्चे और औरतें ये ज्यादा सर्वाइव नहीं किए होंगी एज कंपेयर टू मैन ऐसा ही है ना अंदाजा अगर लगाया जाए तो ये हमारे पास एक सोच बरकरार होना शुरू हो गई बाई जस्ट लुकिंग ऑन द कंपोजिशन हमने सिर्फ अभी ये देखा है एंड नाउ वी नो कि हमारे पास कंपोजिशन की सोच बनना स्टार्ट गई कि कंपोजिशन कैसी है डेटा की ठीक है अब हम देखते हैं अडल्ट मेल कितने अडल्ट मेल यानी कि जो एडल्ट मेल थे वो 537 है और जो फॉल्स हैं वो 354 हैं है यानी कि 537 जो वैल्यूज है वो हमारे पास एडल्ट्स की है इसके अलावा जो थी हमारे पास नॉन एडल्ट है यानी कि 18 साल से छोटे ठीक है थीके? अब अगर इसी को हम एज के अंदर लगाएं चेक कीजिएगा आप अब आपके पास वैल्यू ज्यादा आ गई है क्या ख्याल है 88 वैल्यूज हैं और उसमें से कुछ डिस्प्ले हुई हैं। इसका मतलब यह है कि जो कॉलम हमारे पास नोमेरिक डेटा के होते हैं वी कैन नॉट व्यू देम एज इट इज तो हम क्या करेंगे अब एज के कॉलम को तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं क्या ख्याल है कर सकते हैं ना चलो अभी यहां पे आपने कोड बनाना है आपने एज के कॉलम को तीन हिस्सों में तकसीम करने, है यानी कि जीरो से लेके पांच साल तक के छ से लेके दस साल तक के चार में करेंगे हम डिवाइड मैं आपको यहां पे लिख के दे देता हूँ यहाँ पे असाइनमेंट क्या है जी हमारी अभी के लिए असाइनमेंट इज डिवाइड और मैं इसको बोलता हूं मेक अ न्यू कॉलम बेस्ड ऑन एज ठीक है कैसे बनाना है वन टू फाइव ईयर्स एक कॉलम दूसरा होगा सिक्स टू ट्वेल्व कर लेते हैं फिर तीसरा थर्टीन टू एटीन एंड एटीन टू फोर्टी और ग्रेटर देन फोर्टी ऐसे ये पांच हमने कैटेगरीज बना लेनी है इनको पांचों की पांचों को बिन्स के अंदर आपने डालना है ठीक है ये पांच कैटेगरीज को आपने बिन्स के अंदर डालना है कर लेंगे चलें ट्राई करेंगे आप आप कर सकते हैं इजी है बहुत इजी है आप एक नया कॉलम ऐड करेंगे और ये कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे इसको बोलते हैं बिनिंग ग्रुप्स बना देना चीजों के ये जो मैंने लिखा है ना ये आप ऐसे ही चैट जीपीटी में लिखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा पांडास में लिखेंगे तब भी बिनिंग का लिखेंगे तब भी ये एक से पांच को आप जीरो से पांच बोलिएगा क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो महीनों के भी हैं जो लोग देख रहे हैं ना कि इसने बता ही देना है प्लीज आप थोड़ा सा हाथ पैर हिलाएं ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरीके से प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाती है आप खुद से करेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है हमने इसकी पावर को चले जी होपफुली आप कर रहे होंगे लेट्स सी कि आपने जो काम किया है क्या जो मैंने काम किया उससे मिलता जुलता है या आपने डिफरेंट वे में किया है लेट्स स्टार्ट सबसे पहले ना आप किनारे बनाते हैं मैं आपको मिसाल ऐसे समझाऊंगा कि आपने स्पेसिफिक उम्र के बच्चों को अलहदा कर देना है बड़ों को अलहदा कर देना उनसे बड़ों को अलहदा कर देना बुजुर्गों को अलहदा कर देना और उनके इर्द गिर्द ना आपने फीता बांध देना है फीता फीते का पता है बाउंड्री लाइन इस तरीके से हम किनारे पहले बनाते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे हम क्रिएट करेंगे बिन के एजेस क्रिएट बिन एजेस वो क्या होते हैं मैं भी आपको समझाता हूं इनको नाम दे देते हैं बिन के वेरिएबल में रखते हैं और करते हैं कि जीरो से स्टार्ट करना है ठीक है पहले जाना है हमने पांच तक फिर छह से स्टार्ट करना है और हमने कहां तक जाना है बारह तक अब मुझे छह लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे क्योंकि ऑटोमेटिकली वो पहले एज से दूसरे एज तक उससे ऊपर फिर तीसरे एज तक ठीक है यानी कि छह से मुराद ये होगा पांच से बारह तक पांच से ऊपर यानी कि पांच तक जितने आगे वो यहां पे उससे ऊपर बारह फिर हम यहां पे करेंगे जनाब इसके अलावा एटीन उसके बाद फोर्टी और फोर्टी के बाद कितने हाँ जी इसको देखने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं जिसका नाम है मैक्सिमम ऑफ df एज मैक्स ऑफ डी एफ के अंदर एज इससे हमें पता चल जाएगा कि सबसे हाईएस्ट एज कितनी है हां जी एटी है तो मैं यहां पे एटी लिख दूंगा ये मेरे पास bins के एजेस बन गए हैं इसकी मिनिमम अगर पता करनी तो वो भी आप कर सकते हैं लाइक दिस मिन लिख के मिनिमम तो मेरे पास पॉइंट फोर टू है तो मैं इसको पॉइंट फोर टू भी कह सकता था बट जीरो तक समझ आ बात की ये हमारे पास बिन्स के किनारे बन गए अब हम क्या करने वाले हैं हैं इनके लेबल्स बनाने वाले कि पहले को क्या कहेंगे दूसरे को क्या तीसरे को क्या चौथे को क्या इसको मैं कहता हूं लेबल्स एल ई एस इज इक्वल टू या इनको नाम्स भी कह, नेम्स भी कह सकते हैं मैं लेबल्स बोलता हूं इसको पहले का मैं नाम लिटरली यही रखूंगा जीरो से पांच क्या ख्याल है दूसरे का नाम मैं रखूंगा इसको मैं कह देता हूं पांच से आ, इसको मैं कह देता हूं, जीरो से पांच हो गया फिर हम कर लेते हैं इसको छ से बारह फिर कर लेते हैं तेरह से अठारह फिर हम कर लेते हैं अठारह से चालीस तेरह से अठारह ये था उन्नीस से चालीस Let's see. इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और okay. तो ये हमारे पास कितनी बन गई दो तीन चार पांच ये हमारे पास वैल्यू छ होनी चाहिए क्योंकि पहले से दूसरे की हद तक फिर दूसरे से तीसरे की हद तक समझने एक हमारे पास फिर दूसरी ऐसे बनेगी तीसरी ऐसे बनेगी चौथी इस तरीके से एंड फिफ्थ वन वुड बी लाइक दिस ठीक है ओके जी ये हमारे पास पांच लेवल्स बन गए अब हमने क्या करना है डीएफ के अंदर एक नया कॉलम ऐड करना है यानी कि डेटा फ्रेम के अंदर ऐड न्यू कॉलम हम करते हैं और कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे जी एनी बड़ी के अंदर जो कॉलम ऐड करना है उसको कॉलम का नाम हम डीएफ के साथ ही देते हैं मैं इसको बोलता हूं एज ग्रुप्स, ठीक है एज ग्रुप इज इक्वल टू हमने अब यहां पे पांडा की एक कमांड यूज करनी है पीडी डॉट कट पी डी डॉट कट यूज किया अब कट करने के बाद हमने क्या करना है हमने यहां पे बताना है कि किस चीज को कट करना है ब्रैकेट ओपन करते हैं हमने डी एफ को कट करना है उसके अंदर जो एज का कॉलम है ठीक है किसको कट करना है डी एफ में एज के कॉलम को फिर वो पूछते हैं अच्छा कट कर लिया आपने किस तरीके से कट करना हमने जो हमने का जो बिन्स है ना उसकी दो हमने बनाई हुई है ठीक है ये वाली बिन्स. इस हिसाब से और उनके जो लेबल्स हैं उनको लेबल्स के इक्वल कर दो जो हमने बनाए हुए ठीक है ये दोनों चीजें बनाने का हमने मकसद ये बताया कि इन दोनों के हिसाब से एज को कट करके एज ग्रुप्स के अंदर डाल दो क्या ख्याल है अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं डिफरेंट किस्म की कमांड्स यूज करना इसके अंदर सो यू कैन यूज दैट वन एज वेल लेकिन अगर नहीं चाहते तो टू यू अब इसको हम रन करके देखते हैं बाकी किसी के पास किसी ने इसी तरीके से किया हो तो देन दे कैन शो मी इन द चैट अदरवाइज वी कैन हैव अ लुक लेटर ऑन कुछ लोगों ने लोकेशन फंक्शन भी यूज किया होगा दैट्स फाइन बट लेट्स सी अब इसके बाद ज़ाहरी बात है जब हमने इसको फाइनल कर लेना है इसके बाद डीएफ के अंदर हेड करके भी तो देखना है कि क्या ये चीज चेंज हुई है या नहीं मैं रन करता हूं और ये चेक करें यहां पे एज है हमारे पास बाईस कुछ तेईस चौबीस पच्चीस ये आगे जी हमारे पास एज ग्रुप्स ठीक है ये एज ग्रुप्स आगे साइड पे अब हमने क्या करना है ये जो कॉलम था ना ऊपर एज वाला ये सॉरी यूनिक वैल्यूज जब हमने निकाली थी ये वाली मैं इसको कॉपी करता हूँ कॉलम कह रहा हूं कोड को अब मैं नीचे लिखता हूं और यहां पे एज अंडर स्कोर ग्रुप्स को देखना आपने ये है जी हमारे पास अब आपको अंदाजा हो गया बच्चे कितने थे कितने बच्चे हैं जी पांच साल से कम टाइटैनिक में फोर्टी फोर से बारह साल के टोटलर्स कितने ट्वेंटी फाइव इसी तरीके से हमारे पास तेरह से अठारह के सत्तर हैं, यानी के जो टीन एजर्स फिर हमारे पास जो 40, uh, 19 टू फोर्टी यानी जो जवान हैं, एडल्टो फोर ट्वेंटी फाइव एंड देन दिस वन एज वेल एज ए होल हमारे पास पूरे डेटा सेट की एक समरी सी आ रही है ठीक है हमें अंदाजा हो गया ना बच्चे कितने थे जवान कितने थे बुढ़े कितने थे अब इससे एक और अंदाजा हमारा लग सकता है अगर हम इसको फर्दर मेल और फीमेल में डिवाइड कर दें वी कैन एक्चुअली हैव अ लुक कि ये किस तरीके से बच्चियां कितनी हैं और बच्चे कितने ठीक है नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू ग्रुप दिस थिंग बाय सेक्स आपने इसी चीज को मेल और फीमेल के हिसाब से देखना है जी कैसे देखेंगे आपने जो टेन मिनट्स टू पांडास किया है ना ये उसकी एक छोटी सी कड़ी है जो आप यहां पे हल कर रहे हैं मेरे साथ चले एक एक छोटा सा मैं कोड लिखता हूं शायद आपको यहां पे समझ आ गए df डॉट हमने df को करना है जनाब यहां पे आपने लिखना है ग्रुप बाय डीएफ को ग्रुप बाय करना है हमने चीज को ग्रुप बाय करना है सेक्स को किस चीज के साथ करना है ठीक है समझ आ गई कि पहली चीज को दूसरी चीज के हिसाब से हमने ग्रुप बाय कर देना एंड देन वी नीड टू राइट अगेन वैल्यू अंडर स्कोर काउंट रीजन क्या क्यों लिखा है हमने क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये हमारे पास वैल्यू काउंट्स आते हैं इसके बाद लेट्स रन दिस जनाब हमारे पास फीमेल के सेपरेट हो गए और ये मेल्स के सेपरेट हो गए इतनी सी बात है बच्चे और बच्चियों में फर्क हमें पता लग गया ठीक है इसको आप अनस्टैक भी कर सकते हैं यहां पे जिससे क्या होगा कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा टेबल बन के इसको पेविटेबल बोला जाता है का तो आप ग्रुप बाय कैसे चलाते हैं पहली कमांड आपने यहां पे लिखनी है और जिस तरीके से आपने ग्रुप बाय करना है वो आगे लिखते जाना है आपने ठीक है समझ आ गई बात की अब इसी के अंदर मुह को कैसे लिखेंगे मतलब मैं चाहता हूं ये भी पता चल जाए अडल्ट बाकी और बाकी कितने ताकि हमारी जो तरीका कार है वो सेट हो जाए मतलब सेक्स की बजाय मैं यहाँ पे हु लिख देता हूँ सिर्फ एक कमांड चेंज की है ले जनाब चाइल्ड मैन वुमेन आपके सामने अब आप खुद अंदाजा लगाएं जो चाइल्ड हैं वो बारह साल में आ नहीं रहे सॉरी जो मैन और वुमेन है चाइल्ड आ रहे हैं सिर्फ तो इसका मतलब हमने जो ग्रुप बाय किया बिल्कुल ठीक किया समझ आ गई बात की सिर्फ एक कमांड हमें कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है जस्ट इमेजिन ये है पावर डेटा साइंस की डेटा एनालिसिस की अब हम इनसाइट्स ले रहे हैं कंपोजिशन से एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब है एक्सप्लोर करना डेटा को अब एक आम बंदे के लिए ये टाइटेनिक का डेटा ऐसे ही है जो बस टाइटेनिक का डेटा है कमांड देख लो बट वाई आर वी बिनिंग दिस मैंने आपको पहले समझा दिया कि ग्रुप एज के डिफरेंट करने के लिए एंड देन वी आर चेकिंग यही नहीं कि एज ग्रुप में कितने लोग हैं बल्कि ये भी कि बच्चे कितने हैं बड़े कितने हैं दूसरे कितने तीसरे कितने सो ऑन सो फोर्थ अभी चौदह लोग यहाँ पे भी हैं वो कौन से हैं जो टीन एज के हैं हम बता नहीं सकते कि टीन एजर सिर्फ चौदह थे हमारे पास चाइल्ड में जो मैन थे वो भी इसके अंदर गिने जाते हैं और वुमेन भी और ये पॉसिबिलिटी है कि अठारह साल के बच्चे को ये मैन गिन रहे हो समझ आई बात की तो हम क्या कर सकते हैं अपना यहाँ पे बिन को चेंज कर सकते हैं यानी कि यहाँ पे मैं सत्रह लिख देता हूँ और यहाँ पे अठारह से ऊपर गिन लेते हैं सी इफ वी कैन चेंज एनी मैं सब कुछ ऊपर वाला रन करता हूँ मैंने इसको दोबारा से रन किया अब मैं यहाँ पे दोबारा से देखता हूँ मेरे पास जो ग्रुप चेंज हो गया है वो तेरह से सत्रह का हो गया सच मैंने सिर्फ लेबल चेंज किया है यहाँ पे भी चेंज करना है सत्रह समझ आ रही बात कि मैं क्या कर रहा हूं मैं सिर्फ एटीन इयर्स से ऊपर जो है वो अडल्ट को लेना चाह रहा हूं स्टिल इसका मतलब है चाइल्ड को वो तेरह चौदह साल की उम्र तक तो सफर कर रहे हैं वी कैन हैव अ लुक लेटर ऑन के चाइल्ड को वो क्या कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम मैक्सिमम एज देख सकते हैं ऑफ चाइल्ड चाइल्ड की मैक्सिमम एज कैसे देखेंगे जी कोई बता सकता है हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एज वेयर हु इज चाइल्ड हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एज वेयर हु इज चाइल्ड बहुत आसान है इतना आसान है कि इसी से आपको एक और टर्म समझ आ जानी है विच आई एम गोइंग टू शो यू नाउ हम यहां पे स्लाइसिंग करने वाले हैं डेटा को स्लाइस करते हैं कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता हूं हमने किस डेटा को स्लाइस करना है डीएफ को गौर से देखिएगा कैसे स्लाइस करना है हमने ऐसे स्लाइस करना है कि जहां पे चाइल्ड है यानी कि डीएफ के अंदर जहां पे डी एफ इक्वल टू यहां पे अगर मैं चाइल्ड लिखूं तो इस तरीके से मेरे पास ये डेटा स्लाइस हो गया यानी कि मेरे पास वही डेटा है जहां पे हु टू चाइल्ड है तो डेटा स्लाइस करने के लिए सबसे पहले आप डी एफ वही वाला डेटा का नाम देते हैं And then you write down bracket के अंदर ये सारी कंडीशन इसको कंडीशन बोलते हैं वे डी एफ इक्वल टू चाइल्ड हमने डी एफ के अंदर से सिर्फ वो सबसेट ले इसको सबसेटिंग भी बोलते हैं कर लिया अब इसके बाद हमने क्या करना है यहीं पे इसकी एज देख लेनी है और यहीं पे हमने लगा देना इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है एक ही लाइन के अंदर क्या ख्याल है इजी लेट्स सी पंद्रह लास्ट है जी मैक्सिमम एज पंद्रह है मिनिमम देखते हैं चाइल्ड की कितनी इन्होंने रखी है पॉइंट फोर टू समझ आ गई बात की तो इसका मतलब है हमें अपनी बिनिंग को दोबारा से सेट करना है हमें वहां पे पंद्रह तक चाइल्ड करना है और उसके बाद आगे चलना है तो हम यहीं पे अगर छे से बारह की बजाय इसको छे से कर लेते हैं दस और यहाँ पे दस से पंद्रह इसे कर लेते हैं और यहां पे जीरो से पांच दस पंद्रह और जीरो पाँच दस पंद्रह और यहाँ पे हम एक और चीज ऐड कर देते हैं अठारह अब हमारे पास ये ठीक हो रहा है जीरो से पाँच, छः से दस ग्यारह से पंद्रह एंड देन यहां पे हम ऐड करेंगे पंद्रह से अठारह मैंने एक और कैटेगरी ऐड कर दी है जस्ट टू हैव अ लुक कि कितने बच्चे हमारे उस कैटेगरी में आते हैं एंड so दोबारा से सारी शीट ऊपर वाली रन कर रहा हूं ताकि कोई भी मसला ना रहे ये देखें यहाँ पे रन हो रही है ना ये जा रहा है गाड़ी सी फिर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास रिफ्रेश हो रही है सारी चीज मैंने बना ले ग्रुप्स ठीक है ये मेरे पास ग्रुप्स है अब यहां पे मैं दोबारा से इस इसको रन करता हूं नाउ यू विल सी हां जी अब तो नहीं यहां पे चाइल्ड में कोई आ रही चीज क्लीस बन गई हैं हमारी अब। कि जो बच्चे हैं वो बच्चों वाले ही कॉलम में रह रहे हैं जैसे पिछली दफा था ना यहाँ पे अठारह तक नीचे भी आ रहे थे लोग ये जो इकतीस और पच्चीस थे ये उठ के यहाँ पे आ रहे थे सो नाउ वी नो दीज आर थ्री ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन These are 16 to 18, जो नियरली कह देंगे क्योंकि यूएस के अंदर की इजाजत दी जाती है तो बेसिकली नियरली फॉर एंड मोर देन एटीन एंड सो वन अब हमारे पास ये बन गया ग्रुप बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं लग रहा आपको क्या लग रहा है हु? अच्छा एज ग्रुप के अलावा अगर मैं इनको फर्दर किसी और ग्रुप में भी डिवाइड करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि इनकी क्लास के हिसाब से भी इन्हें डिवाइड कर लू कि कितने बच्चे अमीर हैं कितने बच्चे गरीब हैं। लेट्स डू इट मैं यहां पे अब यहां पे एक और मैंने कॉमा लगाना है यहां पे मैंने क्लास लिख देनी है क्लास ही था सी एल ए था, एस क्लास आ गया अब सी रन करते हैं आपको क्या लगता Error Error है एरर आएगी एरर आ गई है, क्यों आ गई है? ये मैंने दो चीजें ऐड की यहाँ पे दो चीजें ऐड की इसका मतलब है कि मुझे यहां पे डबल ब्रैकेट्स नहीं लगानी पड़ेंगी डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या ख्याल है क्योंकि ये टू डायमेंशनल है वन डायमेंशन क्या होती है मैं आपको बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए मुझे जरा गौर से सुन लीजिएगा यहां पर वन डायमेंशन और टू डायमेंशन का फर्क वन डायमेंशन वो होती है जो एक ही ऊपर से नीचे कॉलम हो टू डायमेंशन वो होती है जब दो कॉलम्स हों ठीक है क्योंकि ये ऊपर से नीचे भी होता है इनका लिंक और राइट टू लेफ्ट भी दोनों का लिंक होता है हम, रोज हैं। वन को हम ऐसे लिखते हैं ठीक तो एक इधर एक इधर है इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर तीन कॉलम आ गए फिर भी तो ये टू डायमेंशनल ही है ना अगर गौर करें एक ऊपर से नीचे एक राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट फिर भी तो ये दो ही है अगर चार कॉलम में लिखूं फिर भी ये टू डायमेंशनल ही है इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू आर राइटिंग टू डायमेंशनल थिंग्स यू हैव टू तो डबल यू हैव टू पुट डबल ब्रैकेट हियर इस बात की समझ आ गई सिंगल डायमेंशन की और डबल डायमेंशन की डायमेंशन होती है डायरेक्शन एक सिमथ समथ भी बोलते हैं इसे ठीक है ओके हाँ जी अब भी अर आती है नहीं आती है। अब आपको समझ आइए अब चेक कीजिएगा हमारे पास हु भी है एज भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास भी है एक ही कॉलम में सारी इंफॉर्मेशन ये रही है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक्सेल में अगर किसी ने पेवर टेबल्स पे काम किया सो दे नो व्हाट आई एम डूइंग हियर ये हम क्यों कर रहे हैं हम डेटा को फील कर रहे हैं मुश्किल है ना डेटा को फील करना हर बंदा बना लेते है। आपने देखा, के अंदर वो सीधा -सीधा आपको बताते हैं मिसिंग वैल्यू रिमूव कर दो फ्लां कर दो फ्लां कर दो बट एक्चुअली टीच इन आप प्रॉपर तरीके से उसको ग्रुप बाय के फॉर्म में लेके चलो और सोच के चलो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तान में गोरे भी ऐसे करते हैं द वे। अच्छा तो हम यहाँ पे चाइल्ड को देखते हैं ये हमारा एज ग्रुप है ये फर्स्ट है थर्ड आप में से कोई बता सकता है कि फर्स्ट क्लास के ज्यादा लोग जो बच्चे हैं वो किस उम्र के हैं फर्स्ट क्लास के बच्चे किस उम्र के अंदर पाए जाते हैं जीरो से पांच और ग्यारह से पंद्रह इसका मतलब यह है यू विल नॉट फाइंड एनी चिल्ड्रन विच आर सिक्स टू टेन ओल्ड या पंद्रह साल से ऊपर के ऐसे ही तीन है। गए हैं पंद्रह साल के ऊपर से तो तो इसका मतलब है आपका हाइपोथेसिस फिट बैठता है ना यहाँ पे अगर आप एक टाइटैनिक के अंदर सफर कर रहे हैं यू नो दैट अगर आप एक मैनेजर हैं, शेफ हैं तो आपको पता है बच्चों का खाना सिर्फ तीन लोगों का बनाना है या छह लोगों का This is how you actually implement this data. और अगर आप एक ए आई एप बना रहे हैं तो इस तरीके से आप फाइनल रिकमेंडेशन देते हैं अपने यूजर को बैक एंड पे चल रहा हूँ कि हाँ भाई आपके पास कितने बच्चे आ रहे हैं ठीक है इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, अगर आप एक ऐप बना रहे हैं और उस app में आप डिफरेंट बच्चों को टीच कर रहे हैं तो इस तरीके से आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस क्लास के कितने बच्चे मेरे पास आ रहे हैं दिस इज आउ यू एक्चुअली सी द टारगेटेड ऑडियंस और यही तरीकेकार बैक एंड पे चल रहे होते हैं जब आपको टारगेटेड एडवर्टीजमेंट भी मिल रही होती क्या ख्याल है सबसे ज्यादा बच्चे किस किस जगह पे है आपको भी पता इकॉनमी क्लास में चीन पाटा आने लगी होती तो वहां पर बच्चे ज्यादा होते हैं जिसे हम थर्ड क्लास पे बोलते हैं ठीक है और आप देखें हर एज ग्रुप के बच्चे हैं सही है तो जाहिर बात है वो बेचारे यूरोप में भी यही हाल है ये ज्यादातर इकॉनॉमी में सफर करते हैं जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो इकोनॉमी ही बेहतर होती है ठीक है क्यों क्योंकि एक टिकट बिजनेस में बंदा ले लेता दो ले लेता तीन ले लेता माशाल्लाह अगर आठ आग दस बहन भाई हैं तो मसला हो जाएगा ना आने जाने में ओके सो दिस इज हाउ यू डील विद द थिंग्स अच्छा अब औरतों की बातें करते हैं अगर मैं एज ग्रुप को छोड़ के यहां पे सरवाइवड लिख दू कितना मजा आने वाला है चेक कीजिएगा आप सिर्फ इस टेबल को देख के बता सकते हैं कितने लोग किस क्लास में जो बैठे थे कैसे बचे और क्या औरतें ज्यादा बची हैं या मर्द ज्यादा बचे हैं एंड हाउ यू कैन डील विद दैट ठीक है सो दिस इज हाउ यू सी अ टोटल नंबर ऑफ थिंग्स ठीक है ये जो तो जीरो है ना सर्वाइव का इसका मतलब बेचारे नहीं बचे वन है बच गए जीरो नहीं बचे वन है बच गए मैन survive, पे सिर्फ दो वुमेन नहीं बची फर्स्ट क्लास की एटी नाइन बच गई मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं आप चेक कर रहे हैं वेरिएशन यानी कि फर्स्ट क्लास में जो औरतें थी उनको ज्यादा प्रेफर किया गया टाइटेनिक में इसी तरीके से, से में, थर्ड में क्या हाल है चेक कर लें आप। अंदाज़ा लग रहा है चीजों का। 58 नहीं बची, लेपन बच गई सो दिस इज ह्यूज डिफरेंट दिस इज हाउ यू कैन हैव एन इनसाइट फ्रॉम डेटा और जब इनसाइट डेटा से मिलती है यू कैन क्रिएट योर ऑन एप इन नाइस वे अब आपको सारा अंदाजा पता चल रहा है कि मेरे लिए फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास का डेटा या ऐप का यूजर का इन चीजों को पुट करना क्यों जरूरी है मैं एक मिसाल देता हूं आप एक ऐप बना रहे हैं एयरलाइंस के लिए अब आपको कुछ अंदाजा हुआ है कि आपने कौन कौन से पैरामीटर्स उनसे लेने डेटा कलेक्शन के लिए सो दीज आर थिंग्स विच टेल यू लोगों की किताबें पढ़ के आप अपनी लिखना जानते हैं तो आप एज पूछेंगे उनको फिर कैटेगराइज करेंगे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास फॉर इकोनॉमी बिजनेस और सारी चीजें होती हैं एंड देन यू यू विल आल्सो सी अ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ठीक है दिस इज हाउ कैन हैव लुक अब यहां पे मैक्सिमम कैसे निकालना था ये भी मैंने आपको बता दिया इसी तरीके से आप एक डेटा सेट में बेबहार चीजों को देख सकते हैं अब हम अगर लोन का अंदाजा लगाए यहीं पर मैं अगर कोमा लगा के अलोन लिख देता हूं अब मैं उन लोगों को देख रहा हूं जो अकेले थे या अकेले नहीं थे ठीक है ठीक है ये अलोन है फॉल्स और ट्रू ये अकेले वाले हैं जो राइट साइड पे ट्रू वाले हैं ये जो अकेले नहीं थे ठीक है अकेले वाले चेक जरा थर्ड क्लास में ज्यादा सफर कर रहे हैं ठीक है काइंड ऑफ इनपुट्स यू कैन हैव मतलब बेबह इस पे काम कर सकते हैं और ये चेक करें यहाँ पे जो सर्वाइव किए हैं या नहीं सर्वाइव किए उनमें अकेले कितने तो और फैमिलिया कितनी बेचारी गई हैं जो फॉल्स वाले हैं ये सारी फैमिलीज हैं या तो वो अपनी माँ बाप के साथ सफर कर रहे थे या अपने स्पाउस के साथ या बच्चों के साथ तो ये फैमिलीज हैं ठीक है जीरो वाली सर्वाइव नहीं किए वन वाले सर्वाइव किए अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से देखना है कितना मुश्किल हो रहा था हमारे लिए ये टेबल्स पढ़ना ऐसे ही है मुश्किल है ना ये टेबल्स को पढ़ना कौन कौन एग्री करता है कि ये टेबल्स पढ़ना मुश्किल है चलें अब यहीं से मैं आपको मूव करवाता हूं अगर आप df.columns लिखें यहां पे मैं यहां पे कॉलम्स के नाम ले आता हूं लेट्स जंप इनटू डेटा विजुअलाइजेशन कैसे विजुलाइज करवाते हैं डेटा को कमांड याद रखिएगा दो चीजें याद रखिएगा और जितने मर्जी प्लॉट बनाते जाएं ये क्या होता है जी मैंने परसों भी बताया कौन सा एक्सिस है ये वाई एक्सिस ये क्या है एक्स एक्सिस ये दो चीजें याद रहेंगी अगर ये वो बचपन में आपने देखा होगा एक कैनवस होता था उसके ऊपर गुब्बारे लगे होते थे और आपको एक बंदूक दी जाती थी इनको फोड़ दो अगर ये एक कैनवस है और इसके ऊपर गुब्बारे लगे हैं और आपके पास वो बंदूक है जिसके अंदर शर्रे पड़ते हैं आपने वो गुब्बारों को फोड़ना है वो शर्रे जो हैं वो आपके डेटा पॉइंट्स हैं जहां पे आप मारेंगे वहां पे वो फिट हो जाएंगे और इस पूरे प्रोसेस को अगर हम प्लॉटिंग बोलें तो गलत नहीं होगा ठीक है तो अक्सरों का जब आप पहला प्लॉट बनाते हैं इज अ काइंड ऑफ प्लॉट तो आप उन को यहां पे मारते हैं। और वाई पे और फेयर रख लू किराया कितने उन्हें कितना दिया सो आई कैन प्लॉट दैन लेट्स और आपको मैं अभी बताता हूँ कि सबसे पहला प्लॉट हम कैसा बना रहे हैं यहां पर मैं लिखता हूँ एस एन एस सी बॉन की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं वेरी इजी टू यूज एस एन एस डॉट जो प्लॉट का मैंने अभी आपको नाम बताया इसका नाम है स्केटर प्लॉट तो मैं यहां पे लिखता हूं स्केटर प्लॉट लिख दिया एस एन एस के अंदर स्कैटर प्लॉट लिख दिया हमने ठीक है अब हमने डेटा सारा पीछे डाउनलोड किया हुआ है हमें पता है हमारे पास डेटा है सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं अब जैसे मैं ब्रैकेट ओपन की है यहां पे वो पहले बताता है कि डेटा बताओ कौन सा so so ठीक है एक्स की वैल्यू बताओ वाई की वैल्यू बताओ एंड सो ऑन सो फोर्थ ठीक है मैं कौन सा डेटा प्लॉट है ठीक है फिर मैं बताता हूं एक्स एक्स एक्सिस पे है मेरे पास इसी के अंदर जो एज है स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दी वाई इज इक्वल टू फेयर फेयर मैंने वो भी स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया ले के क्या प्लॉट करते है लो जनाब आपका पहला प्लॉट बन गया ये मैंने इतना सा कोड लिखा है एक लाइन ऑफ कोड तीन कंपोनेंट है उसके डेटा एक्स एंड वाई ये आपके सामने प्लॉट आ गया सिर्फ तीन लाइन तीन कंपोनेंट के साथ इतना ही आसान है डेटा विजुअलाइज करना पाइथन में वो कहते हैं जितना गुड डालते जाओ उतना मीठा होता जाएगा अब यहां पे चेक कीजिएगा और चीज मैंने यहां पे लिखा था स्कैटर प्लॉट ऐसे ही है अगर मैं प्लॉट चेंज करना चाहूं मैं यहां पे लिखता हूं बॉक्स प्लॉट अब मैं एक्स पे क्या करता हूं फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं हु और वाई पे फेयर कर देते हैं लेट्स सी जनाब आपका बॉक्स प्लॉट बन गया तो ये बॉक्स प्लॉट ऐसे बनेगा यानी कि प्लॉटोरिकल वेरिएबल एक्स पे होगा यानी कि मैन वुमेन और चाइल्ड वो वाली चीज जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी ना इन्फो के कॉलम के अंदर मैं दोबारा से जाता हूं इन्फो के फंक्शन जहां पे मैंने लगाया था ये इसी वजह से बताया था ये जो है ना यूनिक वैल्यूज अब x पे आपने हमेशा वो रखनी है अदर देन स्कैटर प्लॉट मैं स्कैटर प्लॉट के अलावा बात कर रहा हूं जो कम वैल्यूज हैं यानी के कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं यानी कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं आपने x पे वो रखने जब आपका प्लॉट आप बना रहे हैं अदर देन स्कैटर प्लॉट यहां तक बात समझ आ गई स्कैटर प्लॉट हमेशा बनता है दो न्यूमेरिक वेरिएबल के दरमियान दो नोमैरिक वेरिएबल के दरमियान क्यों दो नोमिक वेरिएबल के दरमियान बनता है मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं यहां पे मैं लिखता हूं स्कैटर प्लॉट देखिएगा स्कैटर प्लॉट अगर मैं यहां पे हु लिखा रहने दो तो ये ऐसा बनना है इसकी कोई समझ ही नहीं आ रही स्कैटर कहां पे गया है इसका क्योंकि एक्स पे मैंने कैटेगोरिकल वेरिएबल रखा हुआ है स्कैटर नहीं बनेगा ये बाहर सी बन जाएंगे ऐसे नंबर से आ जाएंगे इसके सॉरी पॉइंट से इस वजह से हम यहाँ पे नुमेरिक वेरिएबल रखते हैं दोनों पे ताकि कुछ खूबसूरती आए नजर अब मैंने क्या यहां पे बनाया कि जिसकी एज तीस थी उसने कितना किराया वो वाला प्लॉट है जिन्होंने फाइव हंड्रेड डॉलर किराया दिया उनकी एज क्या थी कोई बता सकता है इन दोनों की एज कितनी थी सबसे महंगे कस्टमर इनके ये बेचारे एंड हैंड टिकट बुक कराई होनी इन्होंने अगर मैं यहां से एक लाइन नीचे लेके आऊं हियर तो ये तकरीबन अड़तीस के करीब है सैंतीस अड़तीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस के करीब है इसी तरीके से हर बंदे की एज के हवाले से ये प्लॉट बन रहा है अच्छा अगर मैं चाहता हूं कि लड़कियों का अलहदा बने और लड़कों का अलहदा बने मैं नहीं ऐसे देखना मुझे बताओ लड़कियों का किराया कम तो नहीं लिया आपको क्या लगता है ये दोनों फीमेल्स हैं या मेल हैं? कोई बता सकता है बंदे होंगे ज्यादातर लोग कहते हैं बुढ़िया ने तो खपा के बैठे हमें पिछली दुकान तो छे सौ मिल रहा है पिछली दुकान तो तीन सौ मिल रहा है सो वी विल सी उसके लिए हम यहाँ पे एक कमांड लगाते हैं कलर का पता है क्या होता है रंग इसके अंदर कलर को हम ह्यू बोलते हैं वो सोनी के टीवी के अंदर नहीं आता या डिफरेंट टीवी के अंदर जब आप कलर चेंजेस कर रहे होते हैं ह्यू यहां पर आप ह्यू लिखें और इसको सेक्स के साथ डिवाइड कर दें अब देखिएगा प्लॉट की हालत तैयार है जी लोक लो जी वो दोनों मेल ही थे समझ आई बात की ये जो जो ऑरेंज है ना ये सारी फीमेल्स हैं ये मेल हैं सारे के सारे अब कोई बता सकता है ये अडल्ट मेल हैं हैं? सभी को पता है बिजनेस मैन ही ऐसी हरकतें करते हैं अडल्ट हैं। चलो हम देख लेते हैं मैं यहां पे सेक्स की बजाय लिख देता मैन मैन विल बी मैन समझ आ गई ये? तो ये आप चेंज करते जाएं तीन की तीन चीजें मजे आते जाएंगे आपको ये प्लॉट बनता जाएगा ये सात कैटेगरीज भी हों आपको पता चल जाएगा चलें एक और बात मैं यहां पे अच्छा एक आवाम कह रही है कि जिंदा बचे के नहीं ज्यादा किराया लगा के लेट्स सी सरवाइव बच गए बच गए हैं भाई पैसे दिए थे उन्होंने बोर्ड उनके लिए रिजर्व होगी हो सकता है किराया ज्यादा इसीलिए दिया हो उन्होंने पहले कहा बोर्ड साढ़ी मुकमुका कर लिया उन्हें सी डेटा साइंस के अंदर आप यकीन माने वो वो काम कर सकते हैं जो किसी ने सोचे नहीं इसी वजह से ये फील्ड इतना बड़ा है और अगर आपको डेटा की समझ होगी फिर आप अपनी एप्स बना सकते हैं अब आपको पता चल रहा है हर कॉलम का एक मकसद है चलो मैं यहां पे आपको बताता हूं अच्छा मुझे बताएं ये दोनों किस डेक पे होंगे बी पे डेक बी पे मैं समंदर के पास पास ही है ठीक है चलो एक और काम चेक करते हैं लेट्स कि इनके सिबलिंग स्पाउस का क्या चक्कर था hmm. मुझे तो अकेले ही लग रहे हैं दोनों कलर्स के हिसाब से ओके वी कैन सी अनदर थिंग अच्छा अलोन देख लेते हैं अलोन का पता चल जाएगा अलोन से कि ये अकेले हैं कि नहीं अब समझ आई सिबलिंग स्पाउस के नंबर और अलोन का कॉलम क्यों बना हुआ है क्योंकि वी कैन हैव अ लुक लो जी एक अकेला था एक अकेला नहीं था ठीक है बात चलेगी तो दूर तक निकलेगी इम बाग देखते हैं कहां कहां से बैठे हैं दोनों दोनों ही सी यानी कि शेडब्रुग से बैठे हैं चलो सही है एबीसी का नहीं पता हमें हम इम्बाग टाउन देख लेते हैं क्योंकि टाइटेनिक आपको पता है ना कहां से चली थी ये कहां की सिटी है पता है आपको एग्जैक्टली exactly, गोरे देश के यूके इम्बाक टाउन ये दोनों शेरबर्ग से बैठे थे सो आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपको समझ आ रही है यहाँ पे अब आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बाबा जी थे वो कहां से बैठे थे साउथ एम्पटन से उन्होंने किराया कितना दिया है इतना हो सकता है इनको एल्डरली बेनिफिट को मिलाओ क्विंस टाउन से कितनी आवाम बैठी है जी बहुत कम ग्रीन डॉट कम नजर आ रहे हैं साउथ एम्पटन से ज्यादा बैठी है एंड सो सो ऑन फोर्थ अब आप अगर टेबल वाला तरीका और ये दोनों मिक्स करके लगाएंगे ना आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज भी आ जाएंगी और आपके पास प्लॉट्स भी आ जाएंगे एंड दीज प्लॉट्स यू कैन शो दीज प्लॉट्स टू योर क्लाइंट साथ में नीचे क्या लिखेंगे कि इतने नंबर उसके थे इतने उसके थे ये इतने परसेंट ज्यादा है ये दो हमारे पास क्या है ये अच्छा, मुझे एक बात बताएं ये दोनों आउटलायर्स हैं कि नहीं सी वी विल सी दैट कि ये आउटलायर्स हैं कि नहीं है आई क्यू आर मैथड्स के थ्रू लेकिन वो बंदे जरूर हैं, बैठे भी हैं उनका डेटा भी सारा पड़ा हुआ है तो ये हो सकती हैं। और यहां पे डिपेंड करता है कि आप आउट्लायर्स को आउट्लायर्स हैं या आपको बाकी आउटलायर्स नहीं है ये ओरिजिनल बंदे थे ज्यादा दिया था। हो सकता है कोई टिकट का फॉल्ट हो या लेकिन दे पेड अलॉट ठीक है ओके तो इन्होंने कम अज कम दो गुना ज्यादा किराया दिया यहां तक आपको समझ आ गई कोई मुश्किल तो नहीं आई चलो एक और आपको मजे की बात बताऊं यहां पे हो। आपको ये तो सादा प्लॉट मैंने दिखा दिया लेट्स सी काइंड ऑफ प्लॉट इंपोर्ट प्लॉटली एज प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज पी एक्स ये जो हम अब काम यहां पे करने वाले हैं ना दिस इज गोइंग टू चेंज योअर माइंडसेट अबाउट प्लॉट आपने क्या करना है सबसे पहले लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने टर्मिनल पे जाके जिसका नाम है मैं यहाँ पे कोंडा एक्टिवेट एम एल अंडर स्कोर भी करता हूँ पिप इंस्टॉल प्लॉटली ये मैं यहां से क्यों कर रहा हूँ आप वहां से भी कर सकते हैं जस्ट टू लेट यू नो कि आपकी अपनी सीक्वेंस होती है हर काम करने की ठीक है और एक तन भी मैं कर रहा हूं सारे बंदे अपने पीसी पे प्लॉट ना इसका चलाइएगा जब तक आपको यकीन ना हो आपका पीसी बहुत जबरदस्त है उसकी रीजन है उसकी रीजन ये है कि ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट आपके लेता है और अगर आपका जीपीयू हल्का है तो ये मसला कर सकता है बट यू कैन ट्राई आफ्टरवर्ड्स ठीक है कोई इतना बड़ा मसला नहीं करेगा मशीन खाणने लगा शार्क नहीं है लेकिन यू विल सी ठीक है और लेकिन आप इंस्टॉल कर सकते हैं मीन वाइल प्लॉट लेको यहीं पे कुछ समझ आ रही है ईडीए की हम सिर्फ कोडिंग नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि कोडिंग सीख रहे हैं कोडिंग में आपको सेंड कर दूंगा मुझे कोई नहीं है हम यहाँ पे चीजें सीख रहे हैं कि ईडीए क्यों वजह क्या है ठीक है लो जी इंस्टॉल होगी और जब भी कोई चीज इंस्टॉल होती है ये अपनी खप डाल के बैठ जाता है कि रिस्टार्ट कर लो कर लेते हैं भाई लेकिन मैं पहले सेव कर लू बहुत रोले डालते है भाई तुम लो जनाब मैं सभी ऊपर वाला रन करता हूं रन कर लिया जब भी मैं लाइब्रेरी कोई इंस्टॉल करता ना सबसे पहले मेरा काम होता है उसको चेक करना कि वो चल रही है सिर्फ एक कमांड लिख के इट्स वर्किंग ताकि वो मेरी मेहनत जाया ना हो अब मैं यहां पे लिखता हूँ फिग इज इक्वल टू जब भी आप पे फिगर बनाते हैं फिग इज इक्वल टू एक वेरिएबल बनाते हैं पी एक्स डॉट मैं यहां पे लिखता हूँ स्कैटर प्लॉट ई इज इट इन शो क्यों नहीं कर रहा मुझे सजेशंस मसला पे आ गया ना बड़े मसले करता है ये कोई नहीं आ गए हम वापस बस बस बस, बस पहुंच गए पहुंच गए अच्छा जी ओके okay. यहां पे हम लिखते हैं जी फिग इज इक्वल टू पी एक्स डॉट स्कैटर ठीक है स्कैटर एंड देन डेटा बल्कि यहां पे मैं इसको tf कर देता हूं एक्स इज इक्वल टू मैं कर देता हूं एज

conda activate ml underscore environment यहां पे करता हूं pip install nbformat ये nbformat भला क्या है ये आपकी नोटबुक के अंदर रेंडरिंग करके आपको प्लॉट यहीं पे दिखाने वाली है ठीक है लेट्स सी मैंने इसे इंस्टॉल किया इसे रन किया अब क्या मसला आ गया अच्छा रीस्टार्ट करना देख रहे हैं तंग कर रहे हैं मुझे मैंने पूछो उधर। लेकिन आपने उगताना कभी नहीं है बेचारा बच्चा है छोटी छोटी हरकतें करता रहता है नो यस इट्स वर्किंग लो जनाब ये आपके सामने प्लॉट आ गया अब ये प्लॉट कितना खूबसूरत प्लॉट है कि आप जिस पॉइंट पे जाएंगे आपको उसकी वैल्यू और फेयर्स वगैरह सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं इंटरैक्टिव प्लॉट है आप इसको जूम कर सकते हो लाइक like दिस आप इसको पीछे लेके जा सकते हो एंड यही नहीं अभी और सुने यहां पे इज इक्वल टू सेक्स लिखता हूं मैं हां जी ये रन करेगा कि नहीं मैं आपका एक्सपीरियंस चेक कर रहा हूं कि आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं कि नहीं देखी जान के सारे एरर क्यों एरर आई है नहीं चलना यहां पे यहाँ पे चलना है कलर ये लाइब्रेरी के कोड होते हैं सी बोन में ह्यू चलना है क्योंकि सी बॉन जिसने लिखी है उसने बोला है सी बोन ऐसे लो जनाब समझ आ गई इस बात की अब यहां पे यही नहीं एक और मजा लेंगे ये मैं मेल को अनचेक करता हूं तो सिर्फ फीमेल वाले पॉइंट रह गए फीमेल को भी अनचेक करता हूं तो वो भी गए मेल फीमेल सो आप इसको होवर भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं सारे पॉइंट्स को भी नोट कर सकते हैं एंड यू कैन प्ले अलोंग दिस लाइब्रेरी अलॉट ये सिर्फ मैंने एक प्लॉट बनाया अभी रुकें जरा रुको जरा सबर करो धक्का मुक्की नहीं करना बस लेट्स सी अच्छा मैं कॉलम्स के पीछे जा रहा हूं दोबारा अब मैं यहां पे लिखता हूं हु ਉਹ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਪੇ ਲਾਜਨਾ ਕਲਰ ਹੂ ਮੈਨ ਵੂਮਨ ਚਾਈਲਡ ਅਬ ਆਪ ਮੂਝੇ ਬਤਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਨੇ ਬੱਚੋਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਖਣਾ ਹੋ ਤੋ ਅਬ ਬੁਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਡੀਆਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚੋਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ आप यहीं से देख सकते हैं टिकट दो सौ ग्यारह कौन से होंगे अमीर के बच्चे की पता? ना कद जिंदगी फड़वाया ना किसी को कुट खाधी मजे तो साढ़े ने खैर बाय द वे दिस इज हाउ यू लुक इन टू द दे डेटा सेट और ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाई है नाउ आई विल चेंज एग्जैक्टली द सेम कोड मैं यहां से कॉपी करता हूँ क्योंकि एक ही दफा आपने इंपोर्ट करनी होती है लाइब्रेरी नाउ यू विल हैवे लुक देखिएगा पीएक्स डॉट स्कैटर को मैं यहां पर बार कर देता हूं ठीक है एज को मैं कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल क्या करूं सर्वाइव लेर कर देता हूं हु कर देता हूं मतलब मैं क्या बनाने जा रहा हूं बोला मैं बनाने जा रहा हूं यहां कि इन्ने पैसे दे देते फायदा की हुआ है। कुछ फायदा हुआ कि नहीं समझ आई बात की सरवाइव किए ज्यादा किराया दे के और वो कौन थे वो जैसे गोपी वो को नहीं कहती वो क्या है कोकिला बहन कौन था लेट्स सी कल मैं एक मीम देख रहा था वे उसके अंदर ये चीजें थी ये जनाब हमने बना लिया अब यहां पे आपको फेयर भी मिल रहा है क्योंकि हमने बार प्लॉट बनाई है और बार के अंदर हमने मीन नहीं लिखा हमने हर किसी की वैल्यू डाली सो यू कैन हैव अ लुक इन दिस वे हालांकि बार यहाँ पे बनता नहीं है यहाँ पे बॉक्स बनता है मैं बॉक्स यहाँ पे बनाता हूँ बार बाद में बनाते हैं यहीं पे मैं चेंज करूंगा लो जी बॉक्स बन गया है कि नहीं मजा अक्सर क्लाइंट बड़ा ऐसे रोला डालते हैं बॉक्स चाहिए हमें फ्लाम प्लॉट चाहिए ये नहीं चाहिए तो ठीक है जी आप देख सकते हाँ जी आ जाओ बच्चे आ जाओ बोलो अब मुझे एक बात बताएं यहां पे ये वाले दोनों की बात हो रही थी क्या ये आउटलायर है या नहीं ठीक है बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया यस लेकिन आउटलायर को फाइंड करने का भी तरीका है क्या तरीका है यार ये जिन्होंने ज्यादा कराया दिया ये फर्स्ट क्लास वाले हैं ना तो इनका कंपैरिजन होता है थर्ड क्लास वालों के साथ तो ये आउटलायर अगर होंगे तो सिर्फ फर्स्ट क्लास के साथ बॉक्स प्लॉट बना के हम देखेंगे कि ये आउटलायर हैं या नहीं ठीक है समझ आई तो आउटलायर के पीछे भी शर्तें होती हैं सिर्फ आउटलायर वैसे नहीं निकाल लेने सो दिस इज हाउ यू मेक द प्लॉट अब अगर आपने सिर्फ मैन देखने यू कैन डू लाइक दिस एंड सो एन सो फोर्थ अगर आप चाहें तो इसको जूम कर लें ये लें जी एक को जूम करना है एक को कर टू यू यकीन माने अगर आप प्लॉटली को एक दफा एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वर्ल्ड इन अ वे कैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं दो चीजें मैं दिखाने लगा लगाऊ गूगल पे और ये हो सकता है आपको बहुत फायदा दें सबसे पहली चीज है जी सी बॉन इसकी लाइब्रेरी के यहां पे जाएं ये देखिएगा गैलरी ये सारे के सारे प्लॉट्स जो है ना इनके कोड भी ज्यादा पड़े ये मैंने क्लिक किया ये इसका कोड बड़ा है सो so, अगर आपने ये प्लॉट बनाने है इस कोड को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें आपका अपना प्लॉट बन जाएगा सो so, मेरी बात की मतलब ये मैं कॉपी करता हूं कॉपी करने के बाद मैं ये यहां पे ऐसे कोड को पेस्ट कर देता हूं रन करता हूं ये प्लॉट बन के आ जाएगा मेरे सामने सो आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कोड कि डेटा क्या है बार क्या है एक्स क्या है वाई क्या है सो ऑन एंड सो फॉर देन आई कैन मेक दिस प्लॉट फॉर माई ऑन डेटा सेट ठीक है तो इसी तरीके से आपके पास सी बॉन की लाइब्रेरी के अंदर पूरी गैलरी पड़ी है ये कोड मेरे बनाए हुए नहीं है ये लोगों ने बनाए हैं ठीक है सो यू कैन जस्ट चेंज द डेटा सेट नेम और ये पूरे के पूरे, पूरे कोड लिख सकते हैं फिर आपके पास दूसरी लाइब्रेरी है जी प्लॉटली प्लॉटली के अंदर जाए और यहां पे लेटमी सी इसकी गैलरी कहा है not apps plotly ये सारे के सारे प्लॉट ली के प्लॉट पड़े हुए और आ, आपको एक मैं मजे की बात यहां पे दिखाता हूं कि बेसिक ही नहीं यहाँ पे साइंटिफिक फाइनेंशियल मैप और थ्री डी प्लॉट भी आप बना सकते हैं ठीक है मतलब आप थ्री डी स्कैटर प्लॉट भी बना सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो मेक बबल चार्ट्स लाइक दिस ये जो बना हुआ है ना आप सारे का सारा ऐसे बना सकते हैं यह चेक कीजिएगा मैं अभी आपको यह वाला बना के दिखाता हूं अगर आ, मेरे पीसी ने मुझे इजाजत दी तो इसकी इजाजत लेना बहुत जरूरी है वरना ये होने लग जाएगा यहां पे मैं पेस्ट करता हूँ सेम कोड जनाब ये थ्री डी प्लॉट मेरे पास बन के आ गया मेरी स्क्रीन में राइट लाइब्रेरी राइट कोड आपको चाहिए ये, ये प्लॉट पड़ा है स्कैटर प्लॉट टू डी में तो आपने देखा था ये थ्री डी में देख लें और ये थ्री डी प्लॉट भी आप बना सकते हैं एनिमेटेड प्लॉट कोई मुश्किल नहीं है मैं फिर कह रहा हूं कि अपने पीसी पे तब चलाइएगा अगर आपका पीसी अच्छा है ठीक है एक दफा छोटे से ट्राई करें एंड देन यू कैन मेक दिस अब अगर आप गौर करें तो ये प्लॉट आप अपने डेटा सेट पर भी बना सकते हैं ठीक है यू जस्ट नीड टू ट्वीट द लाइब्रेरी अब आपको एक और चीज बताता हूं यहां पे। इसके अलावा एक और था एनिमेटेड प्लॉट कहाँ गया एनिमेशन यस देखिएगा एम आर आई के डेटा अगर किसी को शॉक है ना एनालाइज करने का लेटर ऑन तो एस के एल इमेज के नाम से एक लाइब्रेरी है वो हम यूटिलाइज़ करेंगे कंप्यूटर विजन में जब जाएंगे एम के पीछे तो नहीं जाएंगे द वे लेकिन आपको एक तरीका बता देता हूँ कि प्लॉट उसके कैसे नज़र आते हैं क्या हो गया एस के इमेज करने वाला है कॉपी इंस्टॉल एस के इमेज रन नहीं नहीं मेरे वाले को कुछ नहीं होता क्योंकि मेरा अपना नहीं है मैंने अमेजोन से ऑनलाइन लिया हुआ है so, सो मुझे कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे फिलहाल तो समझ आ रही है आप लोगों को कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे ऊपर से हवा तो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने आपको गूगल पे लिंक भी दे रहा हूँ बाकायदा कि कहाँ से आपने देखना है ये ना हो कि आज के लेक्चर के बाद आप परेशान हो जाएंगे यार बहुत औखी है कोई मुश्किल नहीं है ओके नो बॉड्यूल नेम एस के इमेज स्टिल नहीं इंस्टॉल हुआ आई सी इसका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है सॉरी टू से ये मैं इस एनवायरनमेंट में नहीं कर सकता है. इसका कॉन्फ्लिक्ट है किसी और लाइब्रेरी के साथ ये इस वजह से एनवायरनमेंट हम बनाते हैं वो लड़ पड़े हैं आपस में मैन ओ मैनो मैन्यू करके ना सो so, इस वजह से मुझे अब आप, आपको एक और uh, सिर्फ लास्ट वाली एग्जाम्पल दिखानी है एंड देन वी आर गुड टू गो टू द नेक्स्ट चैप्टर ये आपस में लड़ने लग जाते हैं ना एनवायरमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वेट दिस इज नॉट द राइट वन ये बेसिक इमेज थी दिस इज नॉट द राइट वन दिस स्लाइडर के साथ मतलब ये हम खुद भी बना के देखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन जब हम कर रहे हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं पाइथॉन के अंदर ये देखें ये आपका स्लाइडर आ गया साथ में तो आप यहां से फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आपकी वेव चलने लग जाएगी और इसी तरीके से अगर आप कोई भी एक पैरामीटर यहाँ पे रख लेते हैं किराए के हिसाब से या समथिंग लाइक दैट सो यू कैन चेंज दिस वैल्यूज बाय द वे जी ये आपके साथ प्लॉटली की लाइब्रेरी है ये आपके सामने ये वाली लाइब्रेरी आ गई मैन वुमेन और चिल्ड्रन uh, का हमने सी बॉन के थ्रू प्लॉट बना लिए इसी तरीके से हम बहुत कुछ कर सकते हैं अभी मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है ईडीए के अंदर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट भी हमारे पास होता है और डी एफ एक्स के ऊपर अगर हम एक्स के ऊपर अगर हमने सिर्फ और सिर्फ काउंट प्लॉट्स बनाने तो वो भी हम बना सकते हैं एज ग्रुप्स ये देखें ये वही एज ग्रुप है जो हमने डिफाइन किए थे उसका प्लॉट बन के आ गया काउंट प्लॉट का मतलब ही ये है कि कितनी वैल्यूज है उसकी ठीक हो गया यहां तक समझ आ गई जी इस तरीके से हम डेटा को कंपोजिशन को डेटा की कंपोजिशन को देखते हैं ओके हो गया जी कंपोजिशन की समझ आ गई किस तरीके से हम डेटा की को देखते हैं रिलेशनशिप या हम किस तरीके से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप सिर्फ हिस्ट प्लॉट बनाते हैं मैं आपको मिसाल यहां पे एक ही दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी तो आप क्या करते हैं डीएफ के बल्कि एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट और इसके अंदर आप क्या करते हैं df. कॉमा आप कोई भी एक नोमेरिक वेरिएबल रख देते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया ठीक है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है आप समझिएगा हिस्टोग्राम के बारे में जीरो से पांच तक कितनी नंबर हैं? चालीस ठीक है पांच से दस तक कितने हैं इस तरह तो ये आपके पास एज की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है अगर फेयर की डिस्ट्रीब्यूशन आए तो उसका भी नाम है सॉरी फेयर के स्पेलिंग गलत हो गए ये तो ये फेयर की डिस्ट्रीब्यूशन है अब आप खुद देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड पे खेची हुई है किसी तरह इसकी गाल चिपकाई पिचकाई हुई है कैसे वो जो दो बंदे जिन्होंने ज्यादा किराया दिया था ना सारे डेटा को छेड़छाड़ कर गए अब और भी हमें प्रूफ मिल रहे हैं कि वो आउटलायर हैं मिल रहे हैं मिलने है ना प्रूफ आहिस्ता आहिस्ता इसने क्या किया सभी को उठा के खराब कर दिया सबसे ज्यादा किराया तीन सौ पैंतीस चालीस बंदों ने कहा पे दिया जी इस जगह पे ये कितना किराया हो सकता ये है ये पॉसिबिलिटी है बीस से तीस डॉलर हो सम बात की सो so, हम फेयर के ग्रुप्स भी बना सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू डू और उसको भी प्लॉट कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू डू लेकिन इस तरीके से वो होंगे सारी चीज ओके okay? तो आप डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से चेक करते हैं और यहां पे अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लाइन लगानी हो मैं यहां पे एज uh, का बनाता हूं हाँ जी मेरे ख्याल से यही है Yes. तो आप के डीई इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं वो लाइन बन जाती है तो ये बेल कर्व बन रही है लेकिन यहां पे थोड़ा सा मसला आ रहा है सो देर आर टू सी डिस्ट्रीब्यूशन को आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं इसके अलावा जिन्होंने स्टेटिस्टिक्स की प्ले लिस्ट देखी है मुझे बता सकते हैं वो लोग के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के स्टेटिस्टिकल टेस्ट कौन कौन से हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के स्टेटिस्टिकल टेस्ट कौन कौन से हैं विल्क है। एक थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक थी होमोजेनिटी टेस्ट दोनों के मैं तरीके आपको बताए थे कोलमोग्रोव भी है स्पीरो विल्क भी है विलकॉक्सन भी था कुछ इस तरीके से थे ना तीन चार टेस्ट तो वो टेस्ट भी आप लगा सकते हैं और बाकायदा मैंने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर आपको वो समझाए भी हैं बट फॉर नाउ हम डिस्ट्रीब्यूशन को विजुलाइजेशन के तरीके से देख रहे हैं तो कई मेथड होते हैं एक आप टेस्ट लगा के देख लेते हैं दूसरा विजुलाइज करके देख लेते हैं कि ये नॉर्मल है कि नहीं ठीक है एंड देन यू यू कैन डू अल ऑट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल सो दिस इज हाउ यू कैन सी के टेस्ट किस तरीके से लग सकता है अब आप मुझे बताएंगे कि क्या एज का कॉलम यहाँ पे जो मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं और अगर आप इसका टेस्ट लगा के मुझे बताएं तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कभी भी हम स्टैट के अंदर खुद से अंदाजा नहीं लगाते ये विजुअलाइजेशन कह रही है कि नॉर्मली है बट वी हैव टू सी वी टेस्ट शपीरो विल्क टेस्ट तो वो कैसे लगाएंगे शपीरो विल्क टेस्ट और ये मैं कोड आपको अभी लिखवा देता हूं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि पी की वैल्यू क्या होगी सो सो फोर्थ तो आपने सिंपली ये कोड लिखना आपको समझ आ जाएगी कि आपका टेस्ट जो है वो सही लगा या नहीं ठीक है तो आप लिखेंगे फ्रॉम साई डॉट स्टैट्स इम्पोर्ट शपीरो 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 वो शकीरा नहीं है शपीरो राइट है right? अच्छा अब हम क्या करेंगे सबसे पहली बात विल्क टेस्ट की दो चीजें होती हैं अगर मैं यहां पे शपीरो लिखूं और इसको मैं लगाऊं डीएफ के अंदर एज के ऊपर तो ये मुझे नन वैल्यूज और पी वैल्यू वन पॉइंट जीरो दे रहा है यानी कि स्टेटिस्टिक और दूसरी पी वैल्यू आ रही है इसकी वजह क्या हो सकती है इसकी वजह ये है मैं अगर एक नया कॉलम बनाऊं पहले मैं मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करूंगा मिसिंग वैल्यूज रिमूव या इंप्यूर्ड ठीक है तो मैं यहां पे रिमूव करता हूं डी एफ अंडर स्कोर जीरो वन इसे कह देता हूं इक्वल टू डी एफ ऑफ एज डॉट ड्रॉप एन ए मैंने ड्रॉप कर दी अब डी एफ जीरो वन के ऊपर हम लगा रहे हैं एज के ऊपर टेस्ट लेट्स सी क्या होता है यहां पे मसला हो गया लेट्स सी कौन सा मसला है ड्रॉप एज ओके okay. जो मसला है वो ये है हमारे पास डीएफ के अंदर हमने लगाना था तो ये डबल इस तरीके से चलना था मैं इसको दोबारा से ऊपर वालों को रन करता हूँ एक दफ़ा लेट्स सी क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा आएगा तो हम शिपिरों को लगाएंगे अभी भी नहीं आ रहा क्या मसला है जी अगर हम इसको ए जेंडर स्कोर डेटा कर लें और Df के साथ ड्रॉप एन ए कर दें तो ये हमारे पास सही आ रहा है अब हम लगाते हैं पीरोज डेटा यस अब देखें जैसे हमने उसमें एन ए रिमूव किया फिर हमारे पास यहां पे स्टेटिस्टिक और पी की वैल्यू आने लग गई है ठीक है तो P की वैल्यू की बेस पे हम अंदाजा लगाते हैं कि किस तरीके से हमारा ये वाला टेस्ट नॉर्मल है या नहीं तो जब हमारे पास इसकी दो आउटपुट आ रही हैं, तो एक ही लाइन में हम दो वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं कैसे अभी देखिएगा ये मैंने शपीरो लगाया था यहां पे। अब मैं इसके दो वेरिएबल डिफाइन करूंगा पहला करूंगा स्टैट कॉमा पी इज इक्वल टू तो जो पहली वैल्यू होगी स्टेटिस्टिक की वो स्टैट में चली जाएगी पी वैल्यू जो है वो पी में आ जाएगी ठीक है तो इस तरीके से हमने डबल वेरिएबल एक ही लाइन में बना लिया नाउ वी विल प्रिंट यहां पे कर सकते हैं अगर आपने करना हो स्टैटिस्टिक स्टैट stat, इसको प्रिंट कर देंगे और अगर आपने प्रिंट करना हो जी पी अंडरस्कोर वैल्यू यहां पे आप p को प्रिंट कर देंगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे दोनों ठीक है ये है वैल्यू ये अब आपने क्या करना है कंडीशन बनानी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि डेटा आपका नॉर्मल है कि नहीं इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ठीक है स्टैट के अंदर एक अल्फा वैल्यू होती है आप सबसे पहले क्या करेंगे मैं भी आपको बताता हूं इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन करते हैं हम सबसे पहले हम अल्फा वैल्यू सेट करते हैं स्टैट के अंदर जो हमारे पास है अगर के लेक्चर आपने नहीं सुने तो शायद आपको ना पता हो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फाइव परसेंट आपके टेस्ट के अच्छे होने के चांसेज हैं, के के हैं तो ये अल्फा की वैल्यू उस एर को शो करती है कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या था इस वजह से मैंने कल का दिन आपको दिया था कि आप स्टैट के लेक्चर देख लें अब आप आप में से कितनों को इसकी समझ आ रही है जिनको नहीं आ रही उनके लिए मसला ऑन है मैं यहां पे अब पी इफ इफ कंडीशन लगा रहा हूं इफ पी इज ग्रेटर देन एल्फा अगर एल्फा से पी बड़ा है तो हम क्या कहेंगे इसे हम लिखेंगे सैंपल लुक्स नॉर्मली डिस्ट्री ब्यूटेड या इसको बोलते हैं गौशियन गौशियन डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट ठीक है अगर आपके पास पी की वैल्यू ग्रेटर देन एल्फ है और अगर आपके पास दूसरी कंडीशन है जिसे हम एल्स बोलते हैं तो हम कहेंगे प्रिंट सैंपल इज सैंपल टू नॉट हैव कॉशियन Gaussian Gaussian या same चीज़ है. मैंने ये बना और यही चलता है आप सिर्फ ये लिख के हर एक डेटा सेट की पता कर सकते हैं है, है so, रन करता हूं लो जना यहां पर मेरे पास क्या है पी की वैल्यू हमारे पास है नहीं yes. जस्ट लेट मी सी गलत तो नहीं बता रहा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेडले के तहत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं ठीक है और इस तरीके से भी आप देख सकते हैं अब अगर आप इतनी इतनी चीजें काट दें या रिमूव कर दें तब भी आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आप आप आपका नॉर्मलाइज कर भी सकते हैं आप यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स समझ आई बात की इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं डेटा की देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको लेक्चर्स में बताई हुई है अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज वो स्टेटिस्टिक्स के लेक्चर जरूर सुने जिसका लिंक जो है ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है कल के लेक्चर के दौरान भी मैंने बताया था और जो लिंक आपके पास गिटहब का है उसके अंदर भी मौजूद है ठीक है ओके okay. यहां तक होपफुली आपको कुछ ईडीए के दो पार्ट जो हमारे थे वो समझ आगे होंगे कि हाउ यू कैन एक्चुअली टू नंबर वन इज कंपोजिशन ऑफ द डेटा सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही है समझ आ गई बात की अब अगली बात करते हैं कोई मसला तो नहीं है अभी समझ आ रही है बातों की? मैंने आपको यूनिवेरिएट, और मल्टीवेरिएट का समझाया। अब मैं उनको थोड़ा सा डिफाइन करके बताने लगा यूनिवेरिएट बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट क्या होते हैं मैं यहाँ पे डी एफ डॉट हेड करता हूं नॉट अंडर अगर मैं सिर्फ एज के अपने ही कॉलम के अंदर अंदर इसका एनालिसिस इसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसके कितने ग्रुप बनते हैं व्हाट कैन वी डू दिस डेटा सेट एक ही कॉलम के अंदर खाते जितना काम हो रहा है दिस इज कॉल्ड यूनिवेरिएट एनालिसिस, एक कॉलम को उसकी अंदर कथा देखना उसी को जज करना एक ही बंदे को ठीक है और अगर दो को करें हम एज और फेयर को अगर हम कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड पाई वेरिएट यानी कि एज का फेयर के साथ ताल्लुक देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड पाई वेरिएट तीसरा क्या मल्टीवेरिएट वेरिएट एज का सभी के साथ और सभी का एज के साथ दैट्स कॉल्ड मल्टीवेरिएट जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स मिसाल बहुत आसानी से देने वाला हूं आपको आप लोग इंटरव्यू में अपेयर होते हैं इंटरव्यू में आप अकेले बैठे होते हैं आपसे अकेले से क्वेश्चन हो रहा होता है आप उसका जवाब देते हैं That is univariate analysis of a person. एक बंदे को अकेले से क्वेश्चन करके उसके बारे में आंसर पूछना या उसको एनालाइज करना अब गैट की टेस्ट की याद है आपको सभी को गैट का टेस्ट दिया था आपने या एन का टेस्ट दिए थे वो क्या थे वो सभी को एक जगह पे बिठा के उनको टेस्ट ले रहे होते हैं दैट इज काइंड ऑफ मल्टीवेरिएट तो अगर दो लोगों का इकट्ठा इंटरव्यू हो रहा हो जैसे वाइवा में अक्सर होगा यूनिवर्सिटीज में हो जाता है दैट इज बाई वेरिएट ठीक है समझ आ गई बात होगी सो इस तरीके से आप ये काम करते हैं अब अगर आप एक की डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी चीज देख रहे हैं तो वो यूनिवेरिएट है और मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो है वो करना बहुत आसान है कैसे देखिएगा एस एन एस डॉटर प्लॉट सिंपल एक प्लॉट बनाए कोई ना अभी बताता हूँ यहाँ पे आप देखिएगा पूरे के पूरे डेटा सेट पे एक ही पेयर प्लॉट हर कॉलम का हर कॉलम के साथ लिंक करके आपके पास पेयर प्लॉट आ जाते हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेमोरी बस बनाए कोई ना अभी अभी ना कोई भी बनाए क्योंकि I know कि it takes a lot of time और मेरे पास अगर अच्छी खासी रैम है फिर भी एक टाइम अच्छा लेगा कितने सेकंड चल रहे है जी बीस इक्कीस सेकंड मेरे पास चला है तो अगर आप चलाते भी हैं तो कम से कम एक डेढ़ मिनट आपके पास चलेगा ये है जी पेयर प्लॉट अब इसमें हर किसी का दूसरे के साथ एक प्लॉट बना हुआ है ठीक है और इस तरह आप पेयर प्लॉट मल्टीपल किस्म के भी बना सकते हैं There are many types of pair plots as well. उसको अगर आपने देखना है तो सी बॉन के अंदर या वैसे आप पेयर प्लॉट के ऊपर जाए चेक कीजिएगा सो so, सिर्फ पेयर प्लॉट को बनाने के लिए ये टाइप्स हैं. मैंने सिंपली पेयर और बनाया एस एन एस डी एफ का ठीक है आप ये भी बना सकते हैं अगर मैं ह्यू को स्पीशीज या कुछ और दे दूं. ह्यू भी अगर मैं दे दूं तो मेरे पास कलर आ जाएगा लेट्स मेक अ कलर कॉमा ह्यू इज इक्वल टू सेक्स कर लेते हैं मेल फीमेल मैं इसको रन करता हूं मेन वाइल हम वापस आते हैं ह्यू दे सकते हैं फिर आप डाइग काइंड दे सकते हैं ठीक है काइंड ऑफ प्लॉट कैसी बनानी है आपने डायगनोल यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले कैसे प्लॉट बनाने एंड देन यू कैन गिव अ लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ प्लॉट सिर्फ पेयर प्लॉट की एग्जाम दिखा रहा हूं आपको ये चेक करें अब मार्कर भी दे सकते हैं डिफरेंट किस्म के अगर आपके तीन मतलब सेक्स मेल और फीमेल है आप दो मार्कर दे सकते हैं ठीक है मार्कर से मुराद होता है टाइप ऑफ पॉइंट या जीरो की तरह दिखता है गोल गोल या चोरस या ट्राइंगल समथिंग लाइक दैट और, और बेतहाशा आपके पास यहां पे चेक करें इंफॉर्मेशन है जस्ट फॉर पेयर प्लॉट्स तो अगर आप पेयर प्लॉट बनाना चाहते हैं सिंपली गो टू देयर प्लॉट एंड यू कैन ड्रॉ द पेयर प्लॉट लाइक दिस ठीक है दिस इज वन ऑफ द थिंग्स ये सिंपल पेयर प्लॉट था इसके अलावा आप को रिलेशन प्लॉट भी बना सकते हैं अगर मैं यहां पे सी के ऊपर आप देखेंगे सारी प्लॉट की टाइप्स हैं आप इसे कोरिलेशन प्लॉट भी बना सकते हैं कोरिलेशन निकाल भी सकते हैं एंड यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स ओके, थिंग इनसाइड जस्ट लेट मी सी कहाँ पे है अगर हम काइंड के डी ई बनाएं ये यह मैं यहीं से कॉपी करता हूँ अगेन ये मेरे अपने कोड नहीं होते हम लोगों के कोड देख के फिर काम करते हैं ठीक है सो अगर आपको लगता है कि मेरे अपने कोड हैं नहीं किसी के भी अपने नहीं होते जिन्होंने लाइब्रेरी बनाई है सिर्फ उनके होते हैं. ये हमने पेयर प्लॉट यहाँ पे बना लिया ठीक है जी समझ आ रही है बातों की रूहों रूहों वाली बातें तो नहीं ना हो रही वो जैसे अंग्रेज मूवी में कहता है रूहा रूहा दिया गल कर रहा है सो वो काम तो नहीं ना हो रहा रूहों रूहों की बातें तो नहीं ना हो रही समझ आ रही बातों की आप देख रहे हैं कि यहां पे जितना मैं चेंज करता हूं थोड़ी बहुत भी इसमें इंटरवेंशन करता हूं या इंटरवीन करता हूं चीजों को वो टाइम ज्यादा ले रहा है प्लॉट बनाने के लिए ठीक है हमने कितनी चीजें देख ली आप हमने कोरिलेशन यानी कि रिलेशनशिप भी देख लिया आई नो कि हमने बड़े लेवल पे एक ही दफा देख लिया रिलेशनशिप अब वन बाय वन करके भी देखेंगे लेकिन हमने देख लिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशनशिप ठीक है तो का देखना हो तो हमने वो स्कैटर प्लॉट जो पहले बनाया था उसके अंदर भी नजर आ जाता है राइट right? यार मेरे पास मैकबुक है जो ये वाला सिस्टम है ना एडब्ल्यू एस से वर्चुअल मशीन मैंने ली हुई है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं मैकबुक पे सिखाता हूं तो आप में से काफी लोगों के पास मैकबुक नहीं होता तो वो प्रॉब्लम बनती है तो इस वजह से मैंने फिर विंडो विंडो इंस्टॉल करके उसी के अंदर ये काम किया अच्छा जैसे ये मेरे पास बनता है देन वी विल सी। आपने देखा डेढ़ दो मिनट ले गए और हम इतने साबर नहीं होते यूजली हम कहते हैं बस जल्दी 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 जल्दी, जल्दी काम चलना चाहिए ठीक है अच्छा इसके अंदर जो मेरे पास ग्राफिक कार्ड है वो टेस्ला का वी वन हंड्रेड है जो मेरे ख्याल से काफी बड़ा हैवी है और बाकी चीजें भी बाय द वे ये प्लॉट हमारे पास बन गया वी विल सी दिस अनदर टाइम ये क्या बताता है अभी आपको एक और प्लॉट की मैं टाइप बताने लगा दैट इज को रिलेशन मैट्रिक्स को रिलेशन मैट्रिक्स और उसको हम बनाते हैं सबसे पहले को रिलेशन कैलकुलेट करते हैं पूरे के पूरे का तो हम यहाँ पे डी एफ डॉट कोर इस कमांड से इसका कोर रिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे कोर रिलेशन होता है द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आइदर वन ऑफ देम इज गोइंग अप तो क्या दूसरा भी अप जा रहा है या नहीं खाना खाने से हम मोटे हो रहे हैं कि पतले हो रहे हैं अगर मोटे हो रहे हैं तो हमारा वेट बढ़ रहा है तो खाना खाना और वेट बढ़ना दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं। एक दूसरे को इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है समझ आई बात की तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशनशिप होता है ये बड़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ है मैं इस पर टाइम ज्यादा नहीं लगा रहा जस्ट टू शो यू कि यहाँ पे हमने को रिलेशन मैट्रिक्स बना लिया लाइक like oh, तो मेरे पास जो यहाँ पे मसला आ रहा है वो ये है कि को रिलेशन मैट्रिक्स सिर्फ उनका बनेगा जो हमारे पास एज कॉमा फेयर आई थिंक Yes. Only for numeric variables ये है। तो हम यहां पर हीट मैप बना सकते हैं है हमने and here you go. तो इस तरीके से एक हीट मैप भी आप बना सकते हैं नुमैरिक वेरिएबल्स का ओनली बनता है ये सिर्फ नुमैरिक वेरिएबल्स का तो हमारे पास नुमेरिक वेरिएबल कौन से थे एज एंड फेयर हमने उसका बना लिया ये हमें क्या बताता है ये राइट right साइड पे हमारे पास वैल्यू है कोरिलेशन की ठीक है और जितनी वैल्यू ये ज्यादा होती जाती है उतना कोरिलेशन बढ़ता जाता है जितनी वैल्यू कम होती जाती है उतना कोरिलेशन हमारा कम होता जाता है मैं यहां पे आपको कोर लिख के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ कि ये क्या चीज है आ, इसको मैं करता आउट यस दिस वन अच्छा होपफुली मैं ये आपको समझा पाऊं मैंने बड़ी डिटेल में स्टेटिस्टिक्स के लेक्चर में भी बताया बट जस्ट टू शो यू वॉन्स ये है जी हमारा एक्स एंड वाई एक्सेस ये है एक्स ये है वाई ठीक है हम यहां पे अगर एज रखें तो यहां पे फेयर रखते हैं राइट एक्स और वाई पे हमारे पास चार किस्म के ट्रेंड लाइंस बनती हैं जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं दोनों नुमैरिक होना जरूरी है नुमैरिक नुमैरिक होना जरूरी है दोनों ठीक है एक्स नुमैरिक है हमारे पास वाई भी नुमैरिक है नुमैरिक का तो पता है ना डेटा टाइप का अगर ये हमारे पास ट्रेंड इस तरीके से आते हैं दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन यानी कि एक्स के बढ़ने से उम्र के बढ़ने से किराया भी बढ़ रहा है अगर हमारे पास लाइन ऐसे आती है ट्रेंड लाइन जितनी उम्र ज्यादा है उतना किराया बढ़ रहा है या जितना किराया ज्यादा है, उतनी उम्र ज्यादा है, ठीक है दूसरा हमारे पास ट्रेंड आता है समथिंग लाइक दिस दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन ये वाला ट्रेंड लाइन इसकी मतलब ये है कि जितना किराया बढ़ रहा है उतनी उम्र कम हो रही है यानी कि जितनी उम्र ज्यादा है उतना किराया कम जैसे मैंने बाबा जी की मिसाल दी थी एटी ईयर ओल्ड है और उन्होंने किराया कोई सौ डॉलर भी नहीं दिया ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन हैव अ ऑफ दैट अब आगे चलते हैं एक और किस्म का आपके पास कोरिलेशन होता है विच इज न्यूट्रल इसकी मत इसका मतलब ये है कि एज का और फेयर का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है ठीक है एक चीज कांस्टेंट है एक के बढ़ने से दूसरी कांस्टेंट है मतलब आप कहें कि बस में जाके कहते हैं कि मैं यार, यार यंग हूं मेरा किराया कम कर दो कहते हैं नहीं भाई हमारा कॉन्स्टेंट रेट है एज का को कोई फर्क नहीं है सो दिस इज न्यूट्रल ये तीन किस्म के कोरिलेशन है पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल या जीरो कोरिलेशन अब इनकी वैल्यूज देखते हैं एक टेस्ट होता है जिसका नाम है पियर्सन कोरिलेशन पियर्सन कोरिलेशन एक होता है स्पीयर ठीक है कोर ये दोनों आपको आर की वैल्यू देते हैं ठीक है ये वाली वैल्यू आपकी आर की वैल्यू है सही है समझ आ गई बात की अब अगर ये आर की वैल्यू अगर ये आपकी आर की वैल्यू जीरो है तो ये वाला रिलेशन है अगर आर की वैल्यू नेगेटिव में है तो ये वाला को रिलेशन है पॉजिटिव में है तो ये वाला राइट right? अब एक इसमें और चीज है अगर आप पॉइंट फाइव से ज्यादा है तो हाईली पॉजिटिव है मतलब कंसिडरेबली पॉजिटिव है पॉइंट एट से ज्यादा है तो बहुत कमाल का पॉजिटिव है इसी तरीके से माइनस में पॉइंट फाइव पॉइंट एट इसी तरीके से जीरो जीरो के करीब जितना होगा उतना न्यूट्रल अब आप खुद सोचें असल में हमारे पास ये एक स्केल नहीं बन रहा अगर आप गौर करें ये सेंटर में क्या है जीरो यहां पे पॉजिटिव है यहां पे नेगेटिव है तो जितना ये अगर इनको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए तो ये पॉइंट फाइव है ये वन है माइनस वन माइनस पॉइंट फाइव ये जीरो है इसका मतलब जितना जीरो से दूर जाता जाएगा एक डायरेक्शन में या दूसरे में उतना इफेक्टिव को होता जाएगा ये वैल्यू की बात कर रहा हूं अब यहां पे ये वैल्यू क्या है जी पॉइंट जीरो का मतलब ये ये कहीं पे पे है और यहां पे भी सॉरी पॉजिटिव में नेगेटिव में नहीं है पॉजिटिव में तो इसका मतलब ये है कि ये कोई कोई सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव को रिलेशन नहीं है ठीक है इसी तरीके से कुछ कॉलम्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपस में हाईली कोरिलेटेड होते हैं और आर की वैल्यू बड़ी मैटर करती है ये जो को रिलेशन मैट्रिक्स है ये बड़ा मैटर करता है जब आप इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेरिएबल करते एन ये हम बाई वेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं एज और फेयर का और हमारे पास इन दोनों का रिलेशन ऑलमोस्ट न्यूट्रल है ठीक है अब आप सोच रहे होंगे ये वन क्यों है ये भी वन क्यों है ये वो भोले वाली बात है मैं और मेरे साथ भी मैं हूं यह आप एज को एज के साथ कंपेयर कर रहे हैं मिसाल के तौर पे कोई बंदा ये है कि, कि मैं बाईस साल का हो गया हूं मैं एक साल बड़ा हुआ इसलिए मैं एक साल भी बड़ा हुआ तो एज टू एज यानी कि जो ओरिजिनल है वो ही आप दूसरी साइड पे भी रख रहे हैं तो ये हमेशा हाईली पॉजिटिव ही होगा वन 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 और आप देखेंगे कि जब आप कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं इस तरीके से ये वन बाई वन 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 आता होता है यही वजह इसी तरीके से वन वन आ रहा था अब मैं आपको पिछली एग्जाम्पल पे लेके जाता हूँ जो मैंने पेयर प्लॉट बनाया था यहाँ पे भी जब आप सर्वाइव को सर्वाइव के साथ करेंगे ना तो उसका हाईली सेम ही रिजल्ट आएगा जो दूसरों को आपस में करने से आता है तो जब अगर आप इसकी value, के डी की वैल्यू यानी कि पेयर प्लॉट के अंदर कोई और चांस ले आते हैं तो यहां पे ये यह जो सेंटर में लाइनें आ रही होती हैं इनका कोई मकसद नहीं होता क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का रिलेशनशिप होता है आपने या तो ऊपर वाला हिस्सा देखना होता है या नीचे वाला तो आपके मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है किसी को पता है आप मैट्रिक्स मैट्रिक्स आपने पढ़े नहीं थे इस तरीके से थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व थर्टीन समथिंग लाइक दैट तो अगर आपका को रिलेशन का मैट्रिक्स ये दो बाय दो का है तो ऐसे बनेगा ये टू बाय टू का मैट्रिक्स है ठीक है यानी कि दो रोज दो कॉलम अगर देखा जाए

मल्टीपल है हमारे पास फेयर है और कोई हमारे पास एज सच है नहीं नुमैरिक वेरिएबल नुमैरिक का मतलब वो जिसमें ज्यादा वैल्यूज हो ठीक है समझ आ गई बात की सो दिस इज हाउ यू सी द दुमैरिक वेरिएबल को रिलेशन ओके जी यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो कैटेगोरिकल वेरिएबल का रिलेशनशिप होता है वो हम काउंट करके देखते हैं जो हमने स्टार्ट में देख लिया था मेल कितने हैं फीमेल कितनी है बच्चे कितने हैं बूढ़े कितने हैं और कितने उनमें से बच गए कितने नहीं बचे वो जो ग्रुप बाय का फंक्शन था वो कैटेगोरिकल वेरिएबल का लिंक था ठीक है ओके दिस इज यू कैन सी ऑल थिंग्स अब एक स्टेप हमारा रह गया विच इज कॉल्ड कंपेरिजन जो हम इनशाला ब्रेक के बाद चेक करते हैं और उसको मैं प्रॉपरली आपको करके तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको एक वे में बताने वाला हूँ कि फौरन फौरन आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं और उसके बाद चार लाइब्रेरीज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से ये चार की चार लाइब्रेरीज़ को आप रन करें सारे का सारा आईडिया आपकी चुटकियों में आ जाएगा वो एक वो बंगाली बाबा की तरह समझ रहे हैं ना बातें कि ईडिया आपके कदमों में तो हम पांच मिनट की ब्रेक के बाद वापस आते हैं क्योंकि मेनू भी साथ चढ़ गया मैं जरा ग्लास पानी ना भर लिया अब ज़रा उच्ची बोलना पै कमिंग बैक इन फाइव मिनट्स एंड सी यू इन फाइव मिनट्स